थैंक यू यार। आजकल एक ही कर फेसबुक पर डाल ना, क्योंकि फेसबुक पर डालने की जरूरत और यूट्यूब पर भी। अच्छा भाई, बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आप सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ सीखने के लिए यहाँ पे जमा हुआ है। आमतौर पे हमारे यहाँ ये रिवाज थोड़ा सा कम हो गया, लोग काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, चीज़ें सीखना नहीं चाहते और बस उनको चाहिए कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे हम जो है एकदम रातों रात हमारे पास वीडियो निकाले, वीडियो डाला और फिर हम घूमें तो सिंधु दरिया में लगाएं और पल्ला मछली खाएं। तो ये जो हमारे यहाँ एक एक एक, एक रिवाज चल पड़ा है ना कि जी शॉर्टकट से कुछ कर लें, तो बहुत कम ऐसा होता है या बहुत कोई एक्सेप्शनल केस होता है जिनको आप देखेंगे या आपको रातों रात अमीर हो गया। लेकिन ज़्यादातर जो आपके पास दुनिया में इस वक्त पैसे वाले लोग हैं और जो सक्सेसफुल पैसे वाले लोग हैं, एक तो ये ना कि वो कोई स्मगलर था पैसे वैसे बनाए एक दिन पुलिस मुकाबले में मारा, वो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ ना यार, पैसे तो थे लेकिन सक्सेसफुल पैसे वाले जो जो अपनी कंपनी रन कर रहे हैं और पैसे कमा भी रहे हैं, लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं। जाहिर है कंपनी जब आप बनाते हैं तो किसी न किसी का भला कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप देखेंगे तो उसमें मेजॉरिटी आपको उन लोगों की मिलेगी जो बड़ी मेहनत करके हैं, जिस मुकाम पर मौजूद है बड़ी मेहनत से अपनी उस मुकाम को उन्होंने अचीव किया। तो क्या कहते हैं, शॉर्टकट वॉर्टकट भाई कुछ भी नहीं होता, मेहनत करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मेहनत करने की हमने आदत डालनी है और मुझे खुशी है कि आप सब लोग मेहनत करने को तैयार हैं जब भी आप सब लोग यहाँ पर हैं। अच्छा, तो जरा सा यहाँ पर स्लाइड लगा लेते हैं ताकि मेरा बात टू दी पॉइंट हो जाए। हाँ आगे मैं सीट खाली है पर हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। एआई की एक फील्ड है उसको डिस्कस करने के लिए जमा हुए हैं क्योंकि चैट बॉट क्या होती है। लेकिन सबसे पहले अगर आप सब जानना चाहूंगा कि यार एआई क्या समझते हैं आप, व्हाट डज इट मीन बाय एआई, जब एआई का नाम लिया जाता है तो आपके जहनों में क्या बात आती है, तो जरा वो आप में से कोई बताया। ये जस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि टू पे हो जाए सवाल का जवाब, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर ये होता है एआई है तो क्वेश्चन का आंसर वो देगा। अच्छा जी, और लोग बताएं जब एआई का नाम सुनते हैं तो आपके जहन में क्या बात आती है। एक एक्सपीरियंस का अपना एक मार्केट तो आपको उससे सोच के जाओ। एक मशीन है जो सोचने के काबिल है, उसको सोचना समझना आता है। हेलो 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 यानी माइक तो से बंद था। हाँ आज ये और बताए जी। अच्छा, ऐसी मशीन जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, जैसे इंसान जवाब देता है वैसे शायद बातों का जवाब दे या शायद वैसे चीजों को समझे। ठीक है, और जरा कोई आपका ओपिनियन किसी का है जी। सर मशीन को इतना स्मार्ट बनाते डिसीजन मेकर से खुद से चीजें वो बना सकते हैं, उसको इतना स्मार्ट बनाते हैं। अच्छा जी, और किसी का कोई ओपिनियन। अच्छा जी, मैं भी आपको जरा अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। एआई वैसे तो जो लफ्ज़ से पता चल रहा है बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी मसनूई जहानत। अच्छा, मगर ये मसनूई जहानत है क्या, इसको जरा टेक्निकल परस्पेक्टिव में अगर समझें तो आज से कुछ अरसे पहले तक अगर मेरे पास एक टास्क आता किसी कैट की और डॉग की फोटो को पहचानना है तो मैं क्या करता उसके लिए, पहले इसकी कोडिंग करता ना पाइथन में या मे बी जावास्क्रिप्ट में, तो उसमें फिर मैं शायद ये करता कि पिक्सल वगैरह उठाता कोई और एक पिक्चर का पिक्सल उठा के शायद दूसरे से कोई मैच वैच करता और इस तरह करके मैं पता लगाता कि यार ये फोटो कैट की है या डॉग की। अच्छा, बहुत ही लंबा चौड़ा कोई फैल लगाना पड़ता मुझे और पता नहीं कैसे होता, वो होता लेकिन ये फैल सही, तो शायद मुझे काफ़ी दिन सोचना भी पड़ता कि यार ये होगा कैसे, क्योंकि मुझे तो अभी समझ नहीं आता कैसे होगा भाई। अब लेकिन एआई के आने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं 50,000 फोटो कैट की और 50,000 फोटो डॉग की ये मैं दूंगा मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को, यानी या मशीन लर्निंग का जो फ्रेमवर्क है जैसे कि टेंसर फ्लो है, किराज है, पाइटॉर्च है, इनमें से कोई भी एक यूज़ करूँगा मैं जो भी अवेलेबल फ्रेमवर्क है और अल्टीमेटली मैं एक मॉडल ट्रेन करूँगा उसको, और मॉडल ट्रेन करने के बाद वो जो मुझे मॉडल जो बना के देगा तो वो मॉडल असल में क्या चीज है, वो मॉडल वही इफ एल्स है।
लेकिन ये वाला जो डिफेंस है ना, ये लिखा है कंप्यूटर में कि मैंने नहीं लिखा है, वही डिफेंस। अच्छा, नतीजतन क्या होता है कि जो मेरा लिखा हुआ डिफेंस है उसको चलाने में कंप्यूटिंग पावर ज्यादा लगती है, क्योंकि बताया था वो परफेक्शन एक ह्यूमन लेवल तक की होगी, एक ह्यूमन जितना अच्छा सोच सकता है उतना बेहतर ही लिख सकता है। तो उसको चलाने में मेरे वाला जो लिखा हुआ डिफेंस है उसको चलाने में मोस्ट प्रोबेबली कंप्यूटिंग पावर मुझे ज्यादा चाहिए, लेकिन जो मशीन में लिखा है एल्स उसको चलाने में जाहिर है उसने क्योंकि 2D.50,000 फोटो को देख के लर्निंग की है कि इसमें कौन सा फीचर चेंज हो रहा है, कैट और डॉग में कौन सा फीचर है जो डिफरेंट है, जाहिर है वो फीचर भी मुझे बताने ही पड़ते हैं ऑब्वियसली, जिन लोगों का मशीन लर्निंग का बैकग्राउंड है वो समझ लोगे क्या बात है। लेकिन हम यहाँ मशीन लर्निंग नहीं पढ़ रहे, ये जस्ट तमीजी गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो वो फास्ट होगा, अब तो एआई की जो है वो चिप आ गई है डिफरेंट डिवाइसेस में, आपको देखने को मिल रही है कि एआई की डेडिकेटेड चिप है, प्रोसेसर जीपीयू के साथ साथ एक तीसरी चिप आजकल देखने को मिलती है एआई चिप, आईफोन के जितने अब नए वाले हैं उनमें सब में आ रहा है, नए वाले जो मैकबुक लैपटॉप्स हैं उनमें आ रहा है एआई चिप। अच्छा, और जो वीआर एआर हेडसेट्स वगैरह हैं उनमें भी ये देखने को मिल रहा है। उस पर जब भी चलता है ना एआई का एफएल्स तो वो और तेज चलता है। तो मगर अब मसला इसमें यह है, ये तो काम बड़ा आसान हो गया ना, काम तो बड़ा आसान हो गया, लेकिन इसमें एक मसला है। शुरू शुरू में जब चीज आती है बड़ा अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ती है मामला आगे बढ़ते हैं तो उसके डाउन साइड निकल के सामने आते हैं। तो सबसे बड़ा डाउन साइड इसका ये है कि इसको करना पड़ता है ट्रेन, मशीन लर्निंग जो है उसकी करनी पड़ती है और उसी से बनता है एआई का मॉडल। जब तक मशीन लर्निंग होगी नहीं जब तक वो एआई का मॉडल बनेगा नहीं, और जब तक मॉडल नहीं बनेगा तो एआई तो हुई। अब इसकी ट्रेनिंग जो है अच्छा खासा टाइम लगता है ट्रेनिंग में, मिसाल के तौर पर मैं 50,000 फोटो डॉग की और 50,000 फोटो कैट की जब उसको दूंगा और उसकी लर्निंग स्टार्ट करूंगा तो एक पर्सनल कंप्यूटर जो होता है अच्छा वाला, मतलब आजकल जो 8-10 कोर का प्रोसेसर हो और उसमें रैम हो कोई 32 GB के रैम, तो उस पर जब मैं ये चलाऊंगा ना मॉडल तो मोस्ट प्रोबेबली ये शायद 2-3 दिन कंटिन्यूसली चलेगा जब जाके कंप्लीट 50,000 फोटोज पे, अगर मैं 50,000 1,00,000 फोटोज इस पे चलाऊंगा तो आई एम नॉट श्योर कि नए वाले में कितना लगता है, बट एक दिन तो पूरा लगा ही देगा, उससे कम पे नहीं होगा जो एक आइट्रेशन पूरी होगी उसकी लर्निंग की। अच्छा, तो एक्सटेंसिव किस्म की इसमें हमें सीपीयू की पावर चाहिए होती है। अच्छा, अगर मैं किसी सर्वर ग्रेड की कंप्यूटर पर चला दूँ जिसमें मतलब 10-10 कोर के कोई 16-17 प्रोसेसर लगे हैं, ये पूरी सर्वर ग्रेड के होते हैं ना अलमारी की तरह होता है, रैक की तरह निकल जाते हैं अंदर लग जाते हैं और वो आपस में जुड़ भी जाते हैं, ये वो जुड़ के काम करते हैं, तो उसमें अगर चला दूँ शायद वो 1 घंटे में होते हैं, लेकिन वो कंप्यूटिंग पावर अच्छी खासी रिक्वायर्ड है कुल मिला के बाद। कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड होने के साथ साथ जो एआई के डेवलपर वो पैसे भी चार्ज करते हैं, अच्छे खासे चार्ज करते हैं, तो उसको पैसे भी देने होते हैं भाई, $300 घंटे में मिलता है। अमरीका में एआई का जो डेवलपर है $300 घंटे चार्ज करते हैं। नंबर दो बात, डेटा भी चाहिए होता है। अब मसला ये है कि मैं ये सब अरेंज कर लूंगा, कंप्यूटर भी मैंने अरेंज कर लिया, बंदा भी मेरे पास है, ये मैंने खुद ही सीख लिया, अब ये 50,000 फोटो में कैट की और 50,000 फोटो में डॉग की लाऊंगा कहाँ से? कहाँ से लाऊंगा भाई, कोई डेटा कहाँ से आता है? आप दोस्त ने कहा कि जो बनवाएगा आपसे मॉडल वो आपको डेटा भी देगा कि जी ये लो डेटा और इसको ट्रेन कर लो, मगर मसला ये है कि वो कहाँ से लाएगा, यही तो सवाल है असल। आपने तो डेवलपर के परस्पेक्टिव से या एक एम्प्लॉई के परस्पेक्टिव से बोल दिया है कि मुझे मिलेगा तो करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं बिजनेस के परस्पेक्टिव से सोच रहा हूँ, मेरा बिजनेस है मिसाल के तौर पर, मैंने करवाना है, आप डेवलपर है, आपको जो फोटो मैंने प्रोवाइड करनी है अरेंज करना पड़ेगा। अब मेरे घर में तो है नहीं 50,000 कैट्स, यहाँ तो एक कैट जीना आराम कर देती बंदे का। मैं जो मोटरसाइकिल में कपड़ा वपड़ा चढ़ा के ना रात को खड़ा करके, तो एक बिल्ला है वो वेट करता है कि मैं कब उधर मोटरसाइकिल खड़ा करूँ, और वो आजकल गर्मी आ गई है सर्दियों में रोज उसका ये था काम कि नीचे जाके ना स्लीप में और कपड़े के नीचे वहां बैठ के रात सो जाता था उसका, उसको कुछ कर भी नहीं सकते, क्या करें उसका कुछ भी नहीं आया। अच्छा, और अक्सर ये मैंने देखा है गुजरते हुए कि यार वो मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं लोगों की बेचारों की, अब बिल्ला ना उसके ऊपर खड़ा हो गया सीट के ऊपर ना, और यूँ दमादम दमादम सीट को नोच रहा होगा जैसे किसी ने गाड़ी पर उसको रखा है कि ये पूरी सीट नोचनी है, समझ रहे हो? तो एक बिल्ला जीना आराम कर देता है, 50,000 बिल्ले तो है नहीं मेरे घर पर,
मेरे सारे दोस्तों के घर में मिला भी नहीं है, अब मैं कहाँ से लाऊं 50,000 फोटो कैट की। तो जी इंटरनेट से स्क्रैप करूंगा मैं शायद मेरी। अच्छा लेकिन टाइम लगेगा उसमें भी, कॉस्ट लगेगी। अच्छा अब डेटा का इसी वजह से कहते हैं कि ये दौर डेटा का दौर है, जिसके बाद डेटा है उसको पता है कि डेटा की क्या वैल्यू है, तो डेटा फ्री में नहीं देता। इवन अब तो सारी वेबसाइट ने वो स्क्रैप डेटा स्क्रैप करने में भी वो लिमिटेशन लगाना शुरू कर दी है, वो पकड़ देते हैं, आईपी ब्लॉक कर देते हैं, 10 तरह की हरकतें करते हैं कि जी आप हमारा डेटा ना ले लो। तो डेटा जो है गोल्ड से भी ज्यादा कीमती होता जा रहा है, तो वो डेटा मिलेगा कहाँ से, वो एआई का मॉडल ट्रेन कहाँ से होगा। अच्छा तो अब उसका ना एक हल है जो अब सारा वो आता जा रहा है, क्योंकि छोटी कंपनी के पास ना डेटा है ना उसके पास बंदा इतना महंगा वो अफोर्ड कर सकता है ना उसके पास कंप्यूटिंग पावर है। अच्छा कंप्यूटिंग पावर अगर लेता भी है तो उसका भी एक मसला है, ले लिया बड़ा वाला कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, अब उसका करेगा क्या, या क्लाउड पे चलो ट्रेनिंग कर लेगा, क्लाउड पे मशीन खरीद लेगा, वो भी महंगी तो वो भी है, फ्री तो नहीं है ना क्लाउड पे जो मशीन अवेलेबल है, तो क्लाउड पे चलो मशीन ले लेगा ताकि बाद में सेल ना करना पड़े, क्योंकि मतलब खरीद लिया तो पड़ा है वो तो कचरा हो जाएगा पड़ा पड़ा। तो कुछ ना कुछ करके अब छोटी कंपनीज के लिए ना ये पॉसिबल नहीं रहा कि वो ए आई का अपना मॉडल ट्रेन करें, वो इम्पॉसिबल हो चुका है उनके लिए। ए आई एज अ सर्विस इसका सॉल्यूशन है, और ए आई का जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ए आई एज अ सर्विस है, जो अगला आने वाला दौर है। इसमें क्या होता है कि जी एक कंपनी एक एआई का मॉडल ट्रेन कर लेती है समहाउ, डेटा वेटा अरेंज करके कुछ भी करके सारी जान लगा के एक एआई का मॉडल ट्रेन कर लेती है, और हमें वो दे देती है किराए पे कि जी ये लो आप इस्तेमाल करो, और हम उसको किराया देते हैं उसको, जैसा कि गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट की एपीआई मौजूद है मेरे पास। अब गूगल ट्रांसलेट जो असल में एआई का मॉडल है, गूगल स्पीच टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच, ये एआई के मॉडल हैं सारे, या सेंटिमेंट एनालिसिस गूगल का एपीआई मौजूद है उसका, अमेज़न का भी एपीआई मौजूद है। तो ये अब एआई का मॉडल है, उन्होंने ट्रेन करके रखा है, सारी जान उन्होंने लगा ली है। अच्छा और हर साल उसको इम्प्रूव भी करते हैं, मजे की बात, आपने तो एक बार बना लिया तो आप उसको इम्प्रूव करने में तो आपकी चीजें जल जाएंगी दोबारा, यदि आपको दोबारा हो तो नहीं डेवलपर बैठाऊंगा मैं, फिर वो सारी कंप्यूटिंग पावर दोबारा लाऊंगा, चलो डेटा भी वही यूज कर लूंगा लेकिन वो दोबारा से सारा प्रोसेस होगा कि जी अब ये इसमें जो एक्यूरेसी आई है वो 60% आई है, मैं चाहता नहीं कि 65 तो होना एटलीस्ट, तो उसमें एक और एट्रेशन करने में चीखें निकल जाएंगी। तो वो बड़ी कंपनीज ही कर रही है, गूगल के लिए कोई मसला नहीं, गूगल के पास कंप्यूटर अनलिमिटेड है, गूगल जितना गूगल क्लाउड पर कंप्यूटर रखा हुआ है उन्होंने किराए पर जो देते हैं टेनेंट्स, तो वो सब अवेलेबल है उनके पास, उनको तो पता है ना कि अभी अच्छा जी अभी लोड 20% है बाकी फ्री पड़े हैं, वो उसमें अपना काम चला देते हैं, होता रहता है। और वो Kubernetes का सेटअप होता है उनके पास, तो वो सेटिंग कर देते हैं सारी की प्रेफरेंस पहली जो वो यूजर को देनी है, गूगल क्लाउड पे जो टेनेंट दिया है उसको पहली प्रेफरेंस देनी है, वो उधर से लोड आता है इसको कम कर देता है, तो ये ऑर्केस्ट्रेशन तो आजकल अब तो बड़ी आसान हो गई है, तो उनके पास कंप्यूटर की कोई कमी नहीं, अनलिमिटेड कंप्यूटर है जितने सारे गूगल क्लाउड के सब अपने हैं, फिर वो अमेजोन वगैरह से भी उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनका कंप्यूटर भी नहीं गए तो अच्छा अमेजोन खुद इटसेल्फ, फिर माइक्रोसॉफ्ट के पास डेवलपर्स इतने भाई कमी नहीं है कोई, माइक्रोसॉफ्ट के बाद दुनिया के बेस्ट डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट ने हायर कर लिए थे आज से 10 साल पहले, तो वो खुद ट्रेनिंग करता है और सब करता है, सबसे बेस्ट डेवलपर माइक्रोसॉफ्ट के पास। तो गूगल ने ये अब जाके शुरू किया, गूगल अब उठा रहा है बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे बेस्ट आई क्यू जिनके हैं, सबसे हाई आई क्यू और हाई इमोशनल इंटेलिजेंस जिनकी है उनको अब गूगल हायर कर रहा है, गूगल ने अपनी स्ट्रेटेजी अब चेंज की है पिछले 6-7 सालों में चेंज की, तो वह वो करते करते टाइम लगता है, माइक्रोसॉफ्ट ने ये 20 साल पहले आज से समझ लिया था कि क्या करना है। वेल अब इसको और से सोचें आप, एआई का जो डेवलपर होता है जो मशीन लर्निंग करता है उसकी कहानी शुरू होती है एक काली स्क्रीन से और काली स्क्रीन में खत्म हो जाती है, और आखिर में उसका जो रिजल्ट होता है वो नंबर होता है 0.72 कि 72% एक्यूरेसी होगी। एआई एज अ सर्विस वाला जो बंदा है उसकी कहानी शुरू होती है इसके बाद, अब वो मॉडल ट्रेन है उसको इस्तेमाल करना है, जो एंड यूजर की एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन जो एक्चुअल यूजर इस्तेमाल करता है उसके अंदर एआई का इस्तेमाल करके एंड यूजर को ऐप डेवलपर करना, ये एआई एज अ सर्विस के जो डेवलपर का काम है। अच्छा मिसाल के तौर पर मुझे एक ऐप बनानी है ऐसी जो कि अगर उसको मैं फोटो दूँ उसको मैं मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके दूँ, अब ये बड़ा आसान है
अगर तो मशीन लर्निंग वाले पर्सपेक्टिव में देखे ना तो ये बड़ा मुश्किल है। किसी में अपना पूरा एक मॉडल ट्रेन करूंगा OCR का और उससे फिर मैं पूरी ट्रेनिंग करके फिर उससे काम होगा तो जिंदगी मेरी आदि हो जाएगी उसको ट्रेन करने। लेकिन मुझे तो कल ऐप लॉन्च करनी है तो मैं सिंपल वो फोटो उठाऊंगा, गूगल की एक गूगल का एक AI है उसको कहते हैं गूगल विजन, वो एज अ सर्विस अवेलेबल है, मैं उसकी सर्विस कॉल करूंगा, यानी कि एक HTTP API होगी, मैं फोटो उठा के उधर भेज दूंगा, वो मुझे सामने से पूरा ऑब्जेक्ट बना के दे देगा कि जी ये इसका टेक्स्ट है, बात खत्म हो गई। अच्छा मेरे पास एक ऑडियो है उसको मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ऑडियो कैसे करूंगा भाई, OpenAI का एक अभी है विस्पर के नाम से एक AI है सर्विस, मैं वो उठाऊंगा विस्पर को भेजूंगा मुझे टेक्स्ट दे देगा, या गूगल स्पीच API के उसको मैं दूंगा वो किसी ये लो ऑडियो आप स्पीच स्पीच टू टेक्स्ट मुझे बना दूंगा या टेक्स्ट टू स्पीच बना के दूंगा, तो ये तो बड़ा आसान हो गया। अच्छा और मुझसे वो पर API कॉल पैसे चार्ज करता है, विस्पर भी गूगल भी अमेज़न भी सब, पर API कॉल मुझसे वो कुछ सेंट यानी 5-6 सेंट चार्ज करते हैं मैक्सिमम, जो यानी जिसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है उसमें 2 सेंट 3 सेंट भी करते हैं, डिफरेंट डोमेन्स हैं एक डिफरेंट तरह की सर्विसेज, तो हमारे बनते हैं पाकिस्तानी 5-6 रुपए या 10 रुपए बनते हैं पर API कॉल, अभी तो डॉलर बढ़ गया इसकी वजह से वो, वरना जब डॉलर कुछ अर्से पहले तक 150 का था ना 160 का था, तो जब तक तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा शायद हो जाएगा 15-20 रुपये हो जाएगा पाकिस्तानी क्योंकि डॉलर डबल हो गया, तो बहुत आसान है और बहुत सही है, एकदम जल्दी से इससे ऐप बनती है और एकदम एक्यूरेसी उसके अंदर ज़बरदस्त आती है क्योंकि मॉडल जो ट्रेन किया वो गूगल ने किया, वो हर साल उसको इम्प्रूव कर रहा है, उसकी इम्प्रूवमेंट की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो ऐप मैंने बना दी वो ऑटोमेटिकली जब जब उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी ना उधर तो मेरा मेरी ऐप ऑलरेडी इम्प्रूव होती रहेगी, और बस मैंने क्या करना है जितना इस्तेमाल होगा उतने पैसे देने हैं दैट्स इट। अगर मेरी ऐप के ऊपर 10,000 बंदा आ जाता है कभी, OCR की ऐप है मेरी, OCR की फोटो लो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर, 10,000 अगर यूजर आ जाता है तो 10,000 API कॉल करके कितने पैसे बनेंगे, 10,000 API कॉल करके कितने पैसे बनेंगे, चलो 5 सेंट के हिसाब से लो तो 5 सेंट मल्टीप्लाई बाय 10,000, 5 सेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 5,000 सेंट, और 5,000 सेंट मल्टीप्लाई बाय 50,000 सेंट, तो 50,000 सेंट का मतलब कितने डॉलर बनेंगे, 100 सेंट का डॉलर होता है 500 डॉलर, तो 10,000 API कॉल होगी ना तो $500 का बिल बनेगा। अच्छा लेकिन आपको क्या लगता है कि जब मैं 10,000 मेरे पास यूजर आएंगे तो मैं सारी ऐप फ्री में दूंगा, फ्री में तो मैं दूंगा 5-10 स्कैन में फ्री दूंगा उसके बाद मैं पैसे चार्ज करूंगा, तो यही करूंगा ना मैं, ये तो नहीं करूंगा कि अच्छा जो फ्री में जो स्कैन कर रहा है उसको मैं एड्स भी दिखाऊंगा कोई ना कोई मोनेटाइजेशन, तो जिस पॉइंट पे मेरे पास 10,000 यूजर आ रहा होगा ना डेली का तो उस टाइम पे इधर मैं $50 का बिल जो बना रहा हूँ क्या कहते हैं तो मैं उससे $5,000 कमा भी हूँ, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जैसे किसी रेस्टोरेंट की कोई ऐप है उसमें कोई AI का अगर लगा हुआ है मॉडल, तो उस रेस्टोरेंट की अगर वेबसाइट पे डेली का 10,000 यूजर आ रहा है तो उसका मतलब है वो लाखों रुपए कमा भी रहा है, क्या कहते हैं पाकिस्तानी लाखों रुपए या अमेरिकन हजारों डॉलर उस रेस्टोरेंट से वो कमा रहा होता है। तो इसमें शुरू में तो लगता है भाई यार ये तो पेड है भाई इसमें तो पैसे देने पड़ते हैं, अपना मॉडल ट्रेन कर लेंगे तो वो फ्री होगा है ना, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके लिए साबित यही बेस्ट होता है कि पैसे दे दें आप उतने पैसे दें जितना यूज हो रहा है, मिसाल के तौर पर किसी महीने आपके पास कोई यूजर नहीं आया कोई पैसे, तो पे एज यू गो वाला चक्कर होता है। अच्छा तो ये सबसे बेस्ट मॉडल है, जितने यूजर आएंगे आपका भी उतना ही पैसा बनेगा उधर दे रहे भी उसी हिसाब से, ऐसा नहीं होगा कि कभी बहुत ज्यादा आ गए तो वो पैसे भी आएंगे बहुत ज्यादा, और कभी बिल्कुल नहीं आए तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो ये सबसे बेस्ट चीज है। अच्छा अब जरा हम आगे देखते हैं कि AI के अंदर ना, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये व्हाट इज AI, अब जरा हम ये देखते हैं। अच्छा AI की हमने 3 जनरेशन देख ली, नंबर 1 तो इफ़ेल्स वाला AI, नंबर 2 डीप लर्निंग वाला, और नंबर 3 जो आ रहा है अगला जो आ रहा है AI एज अ सर्विस। अच्छा अब AI एज अ सर्विस ये सबको खा जाएगा मशीन लर्निंग, छोटी कंपनीज के पास इतने पैसे नहीं है कि वो ट्रेनिंग अपनी खुद कर सकें, वो AI एज अ सर्विस की तरफ जा रही है, यही वजह है कि AI एज अ सर्विस में भी अब सारी कंपनीज में कूद गई है, पहले तो ना गूगल होता था अमेज़न सर बड़ी कंपनीज करती थी, अब छोटी छोटी भी आ गई है बहुत सारी जो अपने अपने AI के मॉडल ट्रेन करके वो दे रहे हैं पब्लिक कर रहे हैं कि जी आप इसको इस्तेमाल करें, तो AI एज अ सर्विस अब ग्रो करती जा रही है। अच्छा आप जो सोच भी सकते हैं ना
क्या मैंने ये वाला एआई का मॉडल बनाया, जैसे हैंड राइटिंग का एआई मॉडल बहुत लोग ट्रेन करते हैं, तो हैंड राइटिंग का वो मौजूद है एज अ सर्विस, आपको खुद ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जितने मौजूद अवेलेबल है ना, जो जो आपको देता है एज अ सर्विस हैंड राइटिंग का, हैंड राइटिंग का मॉडल आप सबसे ले लें, $5-5 की सब्सक्रिप्शन सबसे ले लें, सबको चला के टेस्ट करें, जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा है उसको परमानेंट करें, बाकी को हटा दें। कितना आसान हो गया ये। मिसाल के तौर पर गूगल भी आपको देता है विजन एपीआई, अमेजोन भी देता है, माइक्रोसॉफ्ट भी देता है। मेरे एक रिसेंटली एक ऐप की रिक्वायरमेंट आपको बता रहा हूँ कि क्या क्लाइंट ने बोला भाई एक ऐप होगी हमारे पास, हम खरीदते हैं पुरानी गाड़ियाँ। पुरानी गाड़ियों में ये होता है कि हम उसके पार्ट्स बेच के पैसे कमाते हैं, क्योंकि पुरानी गाड़ी तो पुरानी हो गई, अब तो वो किसी ने लेनी नहीं है। लेकिन तो अभी कह रहे कि राइट नाउ क्या करते हैं कि हमारे पास जब गाड़ी आती है ना कोई खरीदने के लिए, जब कोई बंदा बोलता है यार मेरी गाड़ी ये ले लो, अच्छा और ठुकी हुई बटी हुई एक्सीडेंट हुई भी हर तरह की गाड़ी होती है, कह रहे कि हमारा बंदा जाता है इंस्पेक्शन करने के लिए, और बंदा जाके ये उसमें चेक करता है कि कौन कौन सा पार्ट इसका ऐसा है जो जिसकी डिमांड है मार्केट में, कितनी वैल्यू है, तो उस हिसाब से वो वैल्यूएशन करता है कि जी अच्छा ये गाड़ी ना मैं $3,000 में ले लूँगा, ये गाड़ी में भाई $500 में ले लूंगा, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें क्या क्या होगा। उसने बोला जी हमने इसको करना है एआई से ऑटोमेट। कैसे करना है जी एआई से ऑटोमेट? उसने कहा जी मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें मिलेगी फोटोज गाड़ी, बंदा घर से बैठ के ना फोटो भेजे गाड़ी, और वो कह रहा है अभी हम उसका पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि फोटो भेजता है यूजर, और हम क्या करते हैं मैनुअली ना यहाँ बैठ के ऑफिस में उस फोटो को दिखाते हैं अपने एक्सपर्ट को, और उस चार तरफ से फोटो आती है, फ्रंट से, बैक से और दोनों साइडों से चार फोटो आती है, उसमें से तो नंबर प्लेट देखता है बंदा, और नंबर प्लेट देख के एक वेबसाइट है उनकी गवर्नमेंट की, क्या कहते हैं यूके में भी है और यूएसए में भी है दोनों में, उस नंबर प्लेट को डालते हैं उसकी सारी डिटेल आ जाती है, हमारे एक्साइज आप लिखेंगे, एक्साइज व्हीकल वेरिफिकेशन लिखेंगे तो आप प्लेट नंबर डालें तो मॉडल वगैरह वो सब बता देता है, गाड़ी लेते हुए जो वेरीफाई करते हैं वो उस तरह से आ जाता है, तो वो मॉडल नंबर मेक मॉडल एयर वहाँ से पता चल जाता है नंबर प्लेट से, तो कह रहे हैं कि मैनुअली हमारा बच्चा बैठ के इधर करता है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, वो जो मेक मॉडल एयर है ना और कंपनी का जो नाम है उससे उस कंपनी की वेब उन्होंने एक डेटा सेट कहीं से खरीदा है या पता नहीं क्या किया, तो वो छोटा सा एक इंटरफेस बनाया है उस पर वो डालता है मेक मॉडल एयर, तो उस गाड़ी में लगे हुए जितने पार्ट्स हैं, एक गाड़ी में आमतौर पर 3,500 पार्ट्स होते हैं, तो मोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, उन सब की एक लिस्ट आ जाती है। अच्छा और उसमें साथ में ये भी आ जाता है कि ये पार्ट किधर होता है गाड़ी में, ये पार्ट फ्रंट पे होता है बैक पे होता है, वो उन्होंने डेटा सेट तैयार किया होता है। अच्छा जिससे वो मैनुअली मैच करते हैं कि जैसे रेडियो है वो ऑब्वियसली बात है कि फ्रंट पे होता है, जैसे कि आपका जो गियर बॉक्स है वो ऑब्वियसली बोनेट के अंदर होता है, बिल्कुल ही फ्रंट पे होता है, तो अगर कोई सामने से गाड़ी बिल्कुल ही दबी गई है तो उसका मतलब है गियर बॉक्स वगैरह इंजन का बेड़ा गर्क होता है, ठीक है। या मिसाल के तौर पे चार दरवाजे होते हैं तो दरवाजे रिप्लेस होते हैं, बिकते हैं दरवाजे, पीछे उसके स्पेयर टायर होता है, पीछे स्पेयर की चीज़ें होती हैं, तो अगर कोई गाड़ी पीछे से लगी है या आगे से लगी है इसका मतलब दरवाजे सही होंगे, तो उसको देख के अंदाज़ा लगाना है कि जी कौन सा पार्ट कहाँ होता है, वो देख लेता है इसमें से, और उस पर फिर वैल्यूएशन करता है कि जी इसमें ये वाला पार्ट है ना ये इतने का, ये पार्ट इतने का, ये पार्ट सही होगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा अब इसको एआई से कैसे ऑटोमेट होगा भाई? बिल्कुल आसान, थोड़े सोचने की बात है, सोचना तो पड़ा ना मुझे भी बहुत, यार ये होगा कैसे यार ये क्या बात कर रही है, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा और किया तो एकदम आसान है। चार फोटो मैं उठा के भेजूंगा गूगल के विजन को और उससे मैं पूछूंगा कि इस डैमेज कितने परसेंट डैमेज है गाड़ी। मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी फ्रंट से एक्सीडेंट है तो पीछे की जो फोटो होगी ना उसमें बोलेगा कि यार डैमेज इसका 0% है, गूगल विजन मुझे बता देगा कि कितना डैमेज है। अच्छा अगर साइड अगर फ्रंट से ठुकी है गाड़ी और साइड से उसकी फोटो ले रहा हूँ तो वो बोलेगा कि यार शायद जितना हिस्सा उसका है ना 10% डैमेज है या 20% डैमेज है,
बिल्कुल फ्रंट से लूंगा मैं, तो बोलेगा यार ये पूरा ही डैमेज है, खत्म है गाड़ी। तो इससे मैं अंदाजा लगा लूंगा कि गाड़ी मैंने कहाँ कहाँ से ये एक्सीडेंट है। अच्छा, और उस बुनियाद पे फिर अच्छा फ्रंट का जो फोटो होगी उसमें नंबर प्लेट आ गई होगी मेरे पास, तो वो नंबर प्लेट भी डिटेक्ट कर लेता है, ओ सी आर उसमें होता है ना, नंबर प्लेट डिटेक्ट हो जाती है गूगल विजन से। वो मैंने नंबर प्लेट उतारी, एपीआई के जरिए उस प्लेटफॉर्म को कॉल किया, वहाँ से डेटा आया, तो उस डेटा पर थोड़ा सा एफ एल्स लगा के मैंने ये पता लगा लिया कि इसकी कौन कौन से पार्ट सही होंगे, और उस बेस पे मैंने उस पार्ट की लिस्ट डिस्प्ले कर दी सामने इनके बंदे को, क्या ये पार्ट्स इसके सही होंगे, हर पार्ट की प्राइसेस और नीचे उसकी वैल्यूएशन, किसी के पार्ट पूरे जो है इतने पैसे के बिकेंगे, मिसाल के तौर पर सारे पार्ट मिला के अगर बिकते हैं $4,000 के, तो जी ये ना गाड़ी आप 2,000 में उठा लो या 2,500 में उठा लो, एक सजेशन नीचे आ जाएगी जो भी उनका 40% उन्होंने मार्कअप अपना रखा। नहीं, गाड़ी एक्सीडेंट तो बाहर से ही होती है ना, अंदर से कहाँ होती है, तो वो बाहर से ही देख के अंदाजा, मिसाल के तौर पर फ्रंट पूरा तबाह है गाड़ी, तो वो रेडियो वीडियो स्टेयरिंग इन सबको माइनस कर देते हैं कि जी ये सब खराब है, हो सकता है उसमें से कोई चीज सही निकला है लेकिन वो तुक्के में होता है, वो सबको माइनस कर देंगे कि ये फ्रंट पूरा खत्म है इसको, तो वो इवेल्युएशन करने जो बंदा जाता है वो भी यही करता है। तो वो असल में चक्कर ये था कि फिजिकली तो बंदा ही जाके करेगा इंस्पेक्शन, लेकिन वो कह रहे थे यार बंदा घर पे बैठ के ना अपनी गाड़ी की यूं फोटो ले और यूं क्लिक दबाए सामने उसके पैसे आ गए कि यार आज शाम को अगर ये गाड़ी बिकेगी ना तो इतने में बिक जाएगी, ये वाला चक्कर था। वरना क्या होता था, लोग बंदा बुलाते थे, बंदा जाता था विजिट करता था, कहता था ठीक है यार बस सही है हमने ही बेच लिया, समझ रहे हो बात, इवेल्युएशन कराने के लिए बंदे ने बंदे को बुला लिया, और वो जाहिर है हर किसी ने बेचनी ही होती, बंदा एक एस्टिमेट चाह रहा होता है, तो वो उनका ये ख्याल था कि अगर बंदे के लिए ना मैं ये एस्टिमेशन अगर बिल्कुल ईजी कर दूँ तो बंदे का ना माइंड जल्दी बनेगा। मिसाल के तौर पर मैंने गाड़ी बेचनी है, अब मैं तो भाई सुबह 9 बजे निकल जाता हूँ, फिर रात को आता हूँ वापस, अब मेरे पास टाइम किधर है कि मैं बंदा बुलाऊँ, मैं उसका वेट करूँ, फिर बंदा तो आएगा अपने वर्किंग आवर्स में, तो वो मेरा भी वर्किंग आवर है, मैं तो चला गया ऑफिस, अब वो आएगा पीछे घर पर कोई होगा नहीं उसको गाड़ी सही से दिखाने के लिए, तो मसला हो जाएगा मेरे लिए। तो अगर मेरे पास ये हो ना कि मैं फोटो ले लूँ, सुबह उठूँ, सुबह उठ के ना पहले गाड़ी में फोटो ले लूँ, फोटो लेके मैं ऐप में भेज दूँ उसको, और मुझे अगर 1 घंटे बाद के रिजल्ट मिले तो कोई इशू नहीं है, वैसे तो फौरन ही दिखा देगा, वो घूमेगा थोड़ा, 1-1.5 मिनट लगाएगा पूरे प्रोसेस में और वो रिजल्ट ला के देंगे। तो उससे क्या होगा कि जी मुझे पता चल गया अरे यार ये गाड़ी मेरी 2,000 की तो बिक जाएगी, है ना, खड़ी हुई गाड़ी 2,000 की बिक जाएगी। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, जो डिसीजन मैंने ले लेना था ना कि अच्छा मैंने बेचना है या नहीं बेचना, वो मैंने ले लिया, उसके बाद ही मैं कॉल करूँगा कि हाँ यार आके ले लो, आपकी ऐप से मैंने देखा था 2,000 की वैल्यूएशन आ रही है, जरा बंदा भेजो अपना, और मैं ना मेरा मूड बन रहा है कि यार 3,000 से कम में नहीं बेचनी मैंने, तो कंपनी के पास भी डेटा है, फोन ऑपरेटर कहेगा अच्छा जी आप जरा अपना वो बताएं ईमेल एड्रेस, तो मैं आपकी वो गाड़ी चेक करूँ कि क्या आपने भेजा है फोटो में, वो फोन पे ही वो खोलेगा फोटो देखेगा अच्छा यार आया फोटो आपकी ये वाली है, तो 2,000 इसकी वैल्यूएशन आई है ऐप में AI के जरिए, तो मैं जो है ना आपको $200 एक्स्ट्रा दूंगा अभी डन करो। वो कहेगा नहीं नहीं भाई आगे देखो इसमें तो सब सही है, ये फ्रंट से ठुकी हुई है लेकिन फ्रंट में हुआ नहीं है कुछ, इंजन स्टार्ट होता है अभी। वो कहेगा अच्छा यार फिर मैं बंदा भेजता हूँ, लेकिन इसकी मैं 3,500 से ऊपर कभी भी नहीं जाएगी, अगर इंजन सही हो सब कुछ सही हो तो भी मैक्सिमम 3,500 तक चलूंगा। तो ये कन्वर्सेशन हो रही है, समझ रहे हो, ये पूरा बिजनेस ये जो हमने डिस्कस किया था क्लाइंट से, ये सारी मैं वो आपको बात बता रहा हूँ, और वो करके इस तरह फाइनलाइज करेगा कि ठीक है जी आप किस वक्त फ्री होते हो, शाम को 7 बजे बंदा आएगा, आप शाम को 7 बजे ऑफिस से आते हो 7 बजे बंदा आएगा, आएगा वो इंस्पेक्शन करेगा गाड़ी की और आपको उसी वक्त कैश देगा टो करके ले जाएगा। तो AI से ये बिजनेस देखो कितना फास्ट उन्होंने कर लिया, ऑटोमेट कर लिया ये बगैर AI एज अ सर्विस के। जी आपका लेता हूँ सवाल, AI एज अ सर्विस के बगैर अगर मैं ये काम करता तो मुझे अपना मॉडल ट्रेन करना पड़ता, उसके लिए मुझे हजारों की तादाद में उस कार की फोटो चाहिए होती जो ठुकी हुई हो पिटी हुई हो और हर किसी के साथ लेबल हुआ हो कि जी ये गाड़ी 10% ली है, ये गाड़ी फ्रंट से डैमेज है, ये गाड़ी बैक से डैमेज है, ये सारा काम मेरा क्या है तो सर्विस में हल कर दिया, मुझे मसला ही नहीं। अच्छा अब इमेजिन करो अगर दिन में 10,000 लोग एस्टिमेशन कर रहे हैं तो लीड तो जनरेट हो रही है ना कम से कम, बिजनेस को कितना फायदा है कि कम से कम बंदा अगर बेच ही रहा ना अपनी गाड़ी तो लीड जनरेट हो रही है। मिसाल के तौर पर किसी ने इवेल्यूएशन की उसके भाई $1,500 आ गए क्योंकि $1,500 में बिकेगी गाड़ी, लेकिन उसने बाद में कुछ एक्शन नहीं लिया, तो मैं महीने बाद या हफ्ते बाद मेरा एक बंदा बैठेगा जो कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं उसको कि यार वहाँ वो यार आपके पास गाड़ी थी आप
बेच नहीं रहे उसको, वो कहेगा नहीं यार आपने तो बड़ी कम वैल्यूएशन दी है, जो भी बात करेगा वो, जो भी बात करेगा, लेकिन एक लीड जनरेट हो जाएगी कि अच्छा जी मॉडल टाउन में फला गली में गाड़ी खड़ी है, जो मोबाइल से स्कैन करके लोकेशन तो जाती है ना साहब, जी मॉडल टाउन में फला गली में ये गाड़ी खड़ी है और उसकी वैल्यूएशन इतनी है आपने कर दी। तो अगर बिजनेस नहीं होगा तो बच्चा बैठेगा वो हजारों की तादाद में जो मेरे पास जो आ रहे हैं यूजर स्कैन कर रहे हैं, पैसे तो मेरे खर्च हो रहे हैं उसमें, हर स्कैन पे मेरे पाकिस्तानी 20-25 रुपए लग जाते हैं जो AI अगर सर्विस को मैं पे करता हूँ, लेकिन मेरे पास ना डेटा इकट्ठा हो गया, लीड जनरेशन हो गई, मेरे पास एक लीड की लिस्ट पूरी बनी हुई आ गई और मेरे पास 3-4 हजार एट अ टाइम ना 3-4 हजार लीड्स हैं मेरे पास, कि मेरा बिजनेस अगर आउट ऑफ बिजनेस होता है मैं एक बच्चा बिठाऊंगा सबको कॉल करूंगा कि भाई तुम क्यों नहीं बेच रहे, तुम क्यों नहीं बेच रहे, और उससे कुछ ना कुछ करके डील फाइनल करके सब कुछ ओके ओके हो जाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं कितनी पावरफुल चीज है AI का सर्विस, ऐसे यूं काम होता है, जबरदस्त काम हो जाता है। अच्छा अब जरा हम ये देखते हैं कि चैट बॉट क्या बता है और इसका AI का सर्विस से क्या ताल्लुक है। अच्छा इस कोर्स में हम AI का सर्विस को कवर करेंगे, पाइथन इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, पाइथन का भी नहीं पढ़ेंगे, कोई अगर ये जहन बनाकर आया ना कि यार पाइथन तो मुझसे प्लीज बाद में कोई ये ना बोले कि सर पाइथन क्यों नहीं पढ़ते, ठीक है, क्यों AI अगर सर्विस में सिर्फ API कॉल्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम और API कॉल सबसे बेस्ट होती है JavaScript के अंदर और जो सामने से वो जवाब देता है वो JSON में देता है, JSON भी सबसे बेस्ट JavaScript में हैंडल होता है, फिर वो लगेगा जो AI अगर सर्विस जो लगेगा वो ज्यादातर वो वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन में होता है तो वो JavaScript में बन रही होती है मोस्टली, ठीक है, और फिर सर्वर भी आपका एक्सप्रेस JS हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो सर्वर भी JavaScript है, MongoDB भी JavaScript में, तो ये पूरा JavaScript का स्टैक है, ठीक है। पाइथन वो मशीन लर्निंग के लिए पाइथन तो रेकमेंडेड है लेकिन मशीन लर्निंग हम कर ही नहीं रहे, हम तो सर्व कर रहे हैं API कॉल में हमें ये नहीं चाहिए होता या पाइथन वगैरह, ठीक है, तो पाइथन हम कवर नहीं करेंगे। अच्छा जी आपका सवाल हो गया जी, फ्रंट की फोटो से मैंने निकाला नंबर प्लेट, API कॉल करके मैंने सारे पार्ट्स सारे मंगा लिए कि इस गाड़ी में ये पार्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा और जो पार्ट होते हैं हर किसी के साथ लेबल हुआ है कि ये फ्रंट होता है, बैक पे होता है, लेफ्ट पे होता है कि राइट पे होता है, चार गाड़ी के कौन है किस पे होता है ये कौन है। अच्छा फ्रंट से अगर उसने बोल दिया ना कि यार ये 100% डैमेज है, ये 80% डैमेज है, तो उसमें से मैंने फ्रंट वाले सारे पार्ट माइनस कर दिए, हो गया। अच्छा बैक से मैंने दिखाया, बैक से उसने कहा ओके कोई डैमेज नहीं, क्योंकि वो गूगल विजन बोलता है कि इस फोटो में एक कार है और वो डैमेज है इतने परसेंट, ठीक है, वो तो बिल्कुल जनरल है, जैसे यहाँ की मैं फोटो खींच के भेजूंगा ना उस पर तो वो बता देगा कि यार इसमें ऑन एवरेज किस एज के लोग बैठे हैं, ये मैं बड़े आराम से उससे पता लगा सकता हूँ, देता है बड़ा सारा ऑब्जेक्ट देता है, उसको एक्सप्लोर करना पड़ता है कि वो बंदा वो कहाँ पर बात देता है कि कितने बंदे हैं इस क्लास में बैठे, ठीक है, तो ऑन एवरेज वो ये बता देगा कि ये क्लास रूम है, वो ये बता देगा कि जी इसमें एक AC लगा हुआ है जो कैबिनेट AC है और एक AC लगा हुआ है जो स्प्लिट AC है, ये बता देगा दो LCD लगी हुई है पीछे वो पकड़ में आ जाएगा, उसमें जो पीछे एक AP लगा हुआ है गोल सा वो भी शायद पकड़ में आ जाएगा, छोटा है काफ़ी वो दिखने में आसान, ठीक है। तो लाइट्स कौन सी लगी हुई है, कितने लोग हैं जिन्होंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने कैप लगाया है, ये सब गूगल विजन पकड़ में आ जाते हैं बड़े आराम से, ठीक है, एक्सप्लोर करना पड़ता है आदत है पकड़ना, ठीक है। तो अब चार साइड है, चारों साइड जितने ज्यादा परसेंट डैमेज होगी वो माइनस करते जाऊंगा पार्ट, आखिर में जो पार्ट बच गया वो सही पार्ट, उसके मैंने कॉस्ट कैलकुलेट मारी सिंपल सा जो जावास्क्रिप्ट है वो सम किया सबके मैंने और दे दिया कि ये इतने पैसों के पार्ट इसमें सही है, ठीक है। तो ये वाला सही। अच्छा अब चैट बॉट की हम बात कर लेते हैं, चैट बॉट में जी
नहीं वो असल में जो मैं तुम्हें मजीद बिजनेस के बारे में बताऊं जो जिस बिजनेस से मेरी बात हुई थी वो इंजन को कंसिडर ही नहीं करते। ये मैंने सवाल किया था उनसे, मैंने कहा इंजन की तो आवाज़ सुन के मैकेनिक क्या और पता लगाते हैं कि इंजन कितने पानी में। उसने कहा भाई इंजन हम समझते हैं कि है ही डर, इंजन की हम कभी बात ही नहीं करते, हम कहते हैं रैकेज है, हम रैकेज उठाते हैं, कहते हैं रैकेज में तो जब चल रही है इतनी वो तो इंजन खत्म हो सकता। तो वो सिर्फ गियर बॉक्स की, इंजन वाले पार्ट में सिर्फ गियर बॉक्स की बात करते हैं, और गियर बॉक्स होता है यानी इंजन के सबसे अंदर वाले पार्ट पे होता है, ठीक है, मोस्ट गाड़ियों में मोस्टली। तो वो सिर्फ गियर बॉक्स की बात करते हैं कि गियर बॉक्स सही होगा या नहीं होगा, वो भी तुक्का लगाते हैं, उसकी चेक करने का तो कोई तरीका है नहीं, जब तक गाड़ी चलेगी नहीं गियर बॉक्स पता थोड़ी चलेगा कि सही है या नहीं। तो वो भी एक अंदाजे में चलते हैं कि यार ये सही होगा या नहीं होगा। ज्यादातर जो उनका गेम चलता है ना अंदर रेडियो सिस्टम में, उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है गाड़ी के अंदर, उस पर जो साइड के दरवाजे वगैरह हैं, जो गाड़ी की छत होती है, ठीक है, सीट्स होती हैं गाड़ी की, उसके अलावा पेट्रोल का टैंक होता है, जो सारी रीयूजेबल चीज़ें जो रीयूज होती हैं, क्योंकि इंजन रीयूज बहुत कम होता है। शायद कभी किसी जिंदगी में होगा कि गाड़ी का पूरा इंजन बदलवाया किसी ने, ये नहीं होता। गियर बॉक्स ऑन अदर एंड खराब हो जाता है, वो चेंज करना पड़ता है, दरवाजे गाड़ी के टूट जाते हैं, गल जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाते हैं वो, तो रीयूजेबल चीज़ों पर मेन उनका गेम था। वो कहते हैं इंजन आपका सही है या जो भी हम कंसिडर करेंगे खराब है, तो ये वाला चक्कर। फिर ये कि वो जब वंस उनके पास आ जाती है गाड़ी, तो फिर उनका अलग प्रोसेस है, उसके अलग सॉफ्टवेयर बनाए गए थे उन्होंने कि जी उसको कैसे प्रोसेस करना है। वो एक एक पार्ट की वो लेबलिंग करते थे कि जी ये पार्ट कौन कौन सी गाड़ी में एज अ रिप्लेसमेंट चल जाता है, उसका पूरा उन्होंने डेटाबेस मेंटेन किया हुआ था, और उनका पूरा एक वो वेयर हाउस बनाया हुआ उन्होंने जिसमें वो हज़ारों की तादाद में जो है ना उन्होंने गाड़ियों को डिसअसेंबल करके और उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि जी एक कंपार्टमेंट बना हुआ है सारा स्टेयरिंग का, उसमें जितनी भी गाड़ियाँ उनके पास आई हैं ना सबका स्टेयरिंग उधर लगी होती है, ओरिजिनल स्टेयरिंग है, सही हालत में वो लगा देते हैं और उसकी एक वैल्यूएशन कर देते हैं किस किस गाड़ी में लग जाता है। वो स्टेयरिंग तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सल ही होता है, हर गाड़ी का हर गाड़ी में लग जाता है, लेकिन फिर भी वो डिज़ाइन जो होता है तो वो यूँ है किस कोई आया ना क्वेरी मारा किसी ने किसी हमें स्टेयरिंग चाहिए, तो वो स्टेयरिंग उसको सारी दिखा देता है, पूछता है कौन सी गाड़ी लगती है, वो कहता है मर्सिडीज फला फला बेंज मॉडल है, ठीक है, तो C300 इस साल के बाद, तो वो कहता है ये C300 की ओरिजिनल भी अवेलेबल, तो उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म वो भी बनाया जिसमें वो आप जो भी लिखो तो वो जो अवेलेबल पार्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो एक तरफ से खरीदते हैं दूसरी तरफ से बेचना है, तो बहुत सही उनका काम चलता है। अच्छा पूरी पूरी गाड़ी भी बेच रहे हैं जो क्या करते हैं कि एक गाड़ी आई जो फ्रंट से दबा थी, एक गाड़ी आई जो बैक से दबा थी, दोनों के पार्ट्स को इकट्ठा किया, एक गाड़ी को सेट किया, उसको पूरी गाड़ी के तौर पर बेच दिया, ये वाला भी काम करते हैं। तो मल्टीपल मॉडल हैं उनके, B2B भी है, B2C भी चलाते हैं। वेल तो ये छोटा सा पार्ट हमने डेवलप किया जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा था, पूरा एक बड़ा सिस्टम का एक छोटा पार्ट था जो हमने डेवलप किया। अच्छा अब चैटबॉट की बात शुरू करते हैं, तो हमारे पास कितना टाइम है? कितने शुरू किया था? 12 बजे शुरू किया। अच्छा इससे पहले एक सेशन हुआ था जो 9 से 11 हुआ था, ये हमने 12 बजे एक दूसरा सेशन किया क्योंकि वो सीट फुल हो गई थी वहाँ पे पहले वाले सेशन में। अच्छा तो चैटबॉट की हम बात करते हैं, उसके बाद जरा हम आपसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आपको। चैटबॉट एक नए तरह के कंप्यूटर है जिसमें क्या होता है कि जो है ना आप कंप्यूटर से ना बात करते हैं सॉफ्टवेयर से, और वो आपको ऐसे ही जवाब देता है जैसे एक ह्यूमन आपको जवाब देता है। जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है उसको आप माउस और कीबोर्ड के जरिए इस्तेमाल करते हैं, चैटबॉट एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनसे आप ह्यूमन की तरह बात करते हैं। ये नए किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो अब मार्केट में आना शुरू हो गए हैं। अच्छा 2016 में मैंने इस टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया, मैं अपना इंट्रोडक्शन अगर करवाऊँ आपसे तो आज से 10 साल पहले मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट किया एज अ वेब डेवलपर। उस वक्त एंगुलर 1 चलती थी और फिर वो ट्रांजिशन हुआ पूरा वो रिएक्ट वगैरह में आए, फिर 2016 में फिर ना AI को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे ये चैटबॉट का पता चला और उस वक्त से मैं चैटबॉट पे काम कर रहा हूँ। तो उस वक्त लोगों को पता नहीं होता था, नाम ही पता नहीं होता था, लेकिन अब अल्टीमेटली वो चैट GPT के आने की वजह से लोगों को अब नाम पता चल गया है कि अच्छा ये चैटबॉट होता है इन द फर्स्ट प्लेस। तो अब जी चैटबॉट
ये तो समझ आ गया कि एक नए तरह का सॉफ्टवेयर है जिससे बोल के बात होती है। अच्छा, इसमें वो सारे काम हो जाते हैं जो एक मोबाइल ऐप, जो एक नॉर्मल मोबाइल ऐप होती है उसमें जो जो काम होते हैं चैट बॉट के अंदर वो सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, तो हमारे पास हमारे में मौजूद है, पिछले सेक्शन में मैंने दो चार अपने स्टूडेंट बुलवाए थे, हम अलहमदुल्ला चैट बॉट के दो सेक्शन हम निकाल चुके हैं सरानी से, दो बैचेस, अब ये तीसरा बैच शुरू होने जा रहा है। अच्छा, हमारे भाई जो है वो बैच टू के स्टूडेंट भी थे और हमारे भाई ने चैट बॉट का कोर्स कंप्लीट करने के बाद अभी माशाल्लाह अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, ठीक है। इनका सॉफ्टवेयर का पहले भी बैकग्राउंड था और चैट बॉट इन्होंने मुझसे सीखा है, अपनी कंपनी रन कर रहे हैं और अपने जितने क्लास फेलो थे सबको हायर भी कर लिया। और हमारे भाई जरा आए और अपने बारे में बताएं और फिर जरा सा आप ये भी बताएं कि ये चैट बॉट क्या चीज़ है यार, थोड़ा तो मैंने इनको दे दिया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और जरा फिर आप बताएं, फिर लास्ट में हमारे भाई जरा कोडिंग वगैरह हैंड्स ऑन आपको हमारे भाई करवाएंगे। अच्छा अच्छा भाई मैं पेमेंट और पेड में। अच्छा, मेरी जो जर्नी चलाने के साथ स्टार्ट हुई थी वो अराउंड 2019 में हुई थी, जब कोविड आया था। तो उस दौरान मुझे सलानी के बारे में बिल्कुल भी नो हाउ नहीं थी कि यार मैं सलानी मतलब यहीं के मुझे यही सहन था लोगों के कि अगर बैक इन 2019 में जाए तो लोग यही सोचते थे कि सलानी तो गरीबों को खाना खिलाना और मतलब शादी वादी करवाना ये सब काम करते, तो मेरे जहन में भी यही चीज़ थी। बट मैं ऐसे ही फेसबुक यूज़ कर रहा था तो उसी दौरान ना मेरी नज़र से एक कोर्स गुजरी कि सलानी वेब मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स करवा रहा था। अरे यार मतलब सलानी इन सब फील्ड्स में कब से आ गए, क्योंकि फ्री थी ये कोर्स, तो मैंने कहा कि चलो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट क्लास ली तो मुझे याद है हमारे टीचर थे सर मोहम्मद अली मुगल, वेब डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें वेब डेवलपमेंट में सर मोहम्मद अली मुगल और सर वास अहमद ने पढ़ाया। तो जब फर्स्ट क्लास थी मैंने तो बिल्कुल जो सलानी से जो मेरा विजन था ना वो टोटली चेंज हो गया, लाइक सलानी इस लेवल पे आईटी को पढ़ा सकते हैं मैं नहीं सोच सकता था, क्योंकि हमारे दिन में इतना कि हमने अगर आईटी पढ़ना है तो यूट्यूब या बैक इन 1990s की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में इतने अच्छे मेंटर्स नहीं हुआ करते थे वेब डेवलपमेंट। तो मैंने फिर वहाँ से वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया एंड देन तकरीबन 8 to 9 months का वो कोर्स था एंड आफ्टर दैट मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन की आईटीजी इनोवेटर्स, वहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 ईयर डेढ़ साल मैंने काम किया। देन मैं थोड़ा सा ना ये वॉइस एप्लीकेशन या आप ये कह लो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरफ मेरा थोड़ा सा ध्यान था। मैंने इंटर में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था वॉइस कंट्रोलर का, जो आर्डिनो वगैरह कोई अगर आईओटी के स्टूडेंट यहाँ पर हो तो उसे पता होगी कि आर्डिनो एक डिवाइस होती है जिसके ऊपर मतलब हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कुछ बना सकते हैं। तो मैंने वॉइस कंट्रोलर का बनाया था, तो उसी दौरान मैंने देखा कि एक कोर्स आया है AI इन चैटबॉट डेवलपमेंट का। उस दौरान मुझे मतलब इतनी कोई नो हाउ नहीं थी, वो भी मैंने बस यूट्यूब से सीख के बना लिया था एक शॉप। मैंने कहा कि यार ये भी करना है, तो मैंने फिर अगेन ज्वाइन किया। मैं फर्स्ट बैच में था तो सर नवाम ने हमें पढ़ाया और तकरीबन 3-4 महीने के बाद, क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी बैकग्राउंड थी तो मैंने फ्रीलांस मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया, क्योंकि फिजिकली वर्क बहुत ज़्यादा कर लिया था और यू नो जब आप जूनियर होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लोड होते हैं आपके ऊपर, मतलब आपसे वो काम भी करवाए जाते हैं कि जो आप ये बोलते हो कि यार ये तो सर ये तो सीनियर वाला काम है। तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा ना लेवल अपग्रेड करके थोड़ा सा फ्रीलांस मार्केट प्लेस या रिमोट जॉब्स की तरफ जाते हैं। तकरीबन 3-4 महीने के बाद मैंने फाइबर पर अपना फर्स्ट टाइम मिट किया और इस तरह से फिर जो फ्रीलांस करियर है मेरी वो स्टार्ट हुई। तकरीबन एंड ऑफ द कोर्स मतलब यानी कि जब हमें सर्टिफिकेशन मिलने वाली थी तो मैं लेवल 1 का था सेलर। तो फ्रीलांस मार्केट प्लेस वगैरह सर्च करने के बाद मैंने सोचा कि यार प्रोजेक्ट्स वगैरह सबसे प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे आ रहे, क्यों ना हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना लें। अच्छा उस दौरान चैटबॉट डेवलपमेंट की कोई इतनी मतलब हाइप नहीं थी पाकिस्तान में, तो मैंने कहा कि यार एक अच्छा मतलब यानी कि एक कम्युनिटी भी बन जाएगी, क्योंकि जब आप काम करते थे सब जावास्क्रिप्ट की बात करें, जावास्क्रिप्ट की इतनी बड़ी कम्युनिटी है, पाइथन की कितनी बड़ी कम्युनिटी है, इस तरीके से चैटबॉट डेवलपमेंट की आपने कभी कोई कम्युनिटी नहीं देखी होगी, राइट। तो मैंने ये सोचा कि यार कुछ एक नया इनिशिएटिव लेते हैं और एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं जिसमें हम खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। तो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए फिर मैंने डिफरेंट सेशंस भी दिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप ही कह लो। तो वहाँ पर फिर इस तरह से करने के बाद मैंने फिर एक सॉफ्टवेयर हाउस का इनिशिएटिव लिया जिसका नाम टेक्यू चैट से। अच्छा मैंने क्लास अपनी मतलब इनके क्लासमेट्स कुछ मेरे साथ उसमें होते हैं एज अ टीम मेंबर और कुछ
जैसे लाइक अभी जो रिसेंटली पास आउट हुए हैं सनानी से बैच 2 के स्टूडेंट्स, तो वो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा एक और एक मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि आप भी कहते हैं कि लास्ट मंथ ही मतलब इसी मंथ में उन्होंने लॉन्च किया interview.pk जो कि पाकिस्तान में ना वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। अच्छा ये वर्चुअल इंटर्नशिप का मतलब क्या रोल है? आप लोगों को पता है कि 80% जो हमारी ऑडियंस है राइट नाउ टेक्नोलॉजी तो सीख लेती है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है। अब आप जैसे सलानी से कोर्स करें लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि कोई यूट्यूब की ट्यूटोरियल दे के पढ़ रहा है, कोई कोर्स है यूडेमी से कोर्स उठाया हुआ है लेकिन वो क्या करता है 30-30% पढ़ के क्या करता है छोड़ देता है क्योंकि उसको आगे कोई वे नहीं दिखती होती कि यार ये करने के बाद मैं क्या करूँगा। तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि भाई एक वर्चुअल इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म बना दें जिसमें हम क्या देखेंगे भाई डिफरेंट टास्क हम असाइन कर देंगे, इस टास्क के बिहाफ पे आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगी और हम लोगों ने डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज के साथ कोलैबोरेट किया। इससे क्या फायदा हुआ कि स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करने के बाद उन्हें ये हो जाता है कि यार मेरे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो गई अच्छी, और दूसरी चीज उन्हें एक ये कह लो कि अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो सॉफ्टवेयर हमने जिन सॉफ्टवेयर हाउसेज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया वो उनको क्या कहते हैं अपने पास हायर कर देते हैं। तो एकदम समझ लेंगे स्टूडेंट के लिए एक ब्रिज बन गया कि भाई आपने तैयारी करनी है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी देन यू गॉट हायर्ड। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया और अभी सेंटी अलहमदुल्ला उसकी पे इतनी ट्रैफिक आई है कि वो उसकी बैंडविड्थ फुल हो गई और अभी हम लोगों ने मतलब यानी कि उसे बंद करना पड़ा, मतलब अभी हम उसके ऊपर टेक्निकली वर्क कर रहे हैं ताकि जो रिक्वेस्ट जितनी आ रही है उसको हम हैंडल आउट कर सकें। अच्छा ये तो थी मतलब मेन जर्नी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ये चैटबॉट डेवलपमेंट के बारे में कि चैटबॉट डेवलपमेंट होता क्या। अच्छा एक सॉफ्टवेयर जो आप खुद बनाते हो जैसे आपने नॉर्मली देखे होंगे जिसपे आप टैप और गेस्चर पेन लेट सपोज एक नॉर्मल एप्लीकेशन की हम बात कर लेते हैं ई कॉमर्स की कोई एप्लीकेशन आप उठा लें ठीक है उसमें क्या करता है आपको पूरा प्रोसेस क्या करना पड़ता है स्टार्टिंग टू एंड खुद करना पड़ता है। लेकिन चैटबॉट में अगर एक मैं मिसाल दूँ आपको, आपने नॉर्मली सबने चैटबॉट देखा होगा कि वो किस तरह का होता है, मतलब आप नॉर्मली एक वेबसाइट पर आप जाते हैं पॉपअप जनरेट होता है आपसे पूछता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, तो वो सिर्फ अब लोगों के ध्यान में कि ये सिर्फ एफएक्यू या फिर वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने के लिए काम आता है लेकिन ऐसा नहीं है। आज के दौर में पूरी पूरी मैनेजमेंट सिस्टम उसके ऊपर करेंगे। लाइक अगर मैं एक टेक्सटाइल कंपनी की मिसाल दूँ उनका पूरा यार्न का सिस्टम हम लोगों ने डिप्लॉय किया, मतलब वो आप उस पर सिर्फ वो क्या करते हैं जैसे एक मैनेजर है उसमें पूछता है कि भाई आज के दिन मेरे कितने यार्न सेल हुए, वो पूरी डैशबोर्ड के एक मतलब यानी कि एक लेते हैं तो उसमें पूरा डैशबोर्ड बता देता है कि अच्छा ये इस तरह से हुआ है इतने यार्न आपके सेल हुए हैं इतने कंटेनर्स आपके यहाँ पर हैं ऑडिट ये चल रहे हैं मतलब प्रॉपर डिटेल्स दे देता है। तो इस तरीके से ना मतलब एक न्यू इंटरफेस है एक न्यू कह लो कि आप एक नया तरीका जिसके थ्रू आप मतलब इंटरेक्ट हो सकते हो। अच्छा एक वेबसाइट पर जाते हो बार बार वो बोर हो जाता है लेकिन आपके सामने से कोई मैसेज आया उस पर प्रॉपर डिटेल होती ना उसके साथ यूजर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा अलग होता है। अच्छा ये तो बात हो गई हम लोगों की चैटबॉट डेवलपमेंट की, इससे भी ज्यादा एक नॉर्मली मतलब नॉर्मली तो नहीं एक अब बहुत ज्यादा मतलब एडवांस लेवल पे हो चुके हैं वॉइस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अच्छा वॉइस एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये क्या चीज होती है? आप लोगों ने अपने घर पे छोटे बच्चे देखे होंगे उन्हें जब YouTube पे कोई चीज सर्च करनी होती है तो क्या करते हैं वो वॉइस का बटन यूज करते हैं और लेट्स सपोज उन्हें कोई कार्टून देखना हो या कुछ देखना हो तो वो जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है वो जो पर्टिकुलर थिंग है दिस इज बेसिकली वॉइस एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वॉइस टेक्नोलॉजी। और राइट नाउ क्योंकि आपके घर के छोटे बच्चे हैं वो अभी से इस वॉइस की टेक्नोलॉजी को यूज करें तो आगे जाके क्या उनका दिल करेगा कि वो टैप या फिर इन सब चीजों के ऊपर जाए? बिल्कुल भी नहीं, वो तो फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले मतलब वॉइस की चीजों को प्रिफर करेंगे। तो जस्ट थिंक एंड इमेजिन अगर अभी आप इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट इस पर्टिकुलर फील्ड में आ जाते हो आप आगे चल के आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने फ्यूचर से। अच्छा ये तो सर सिर्फ यूट्यूब की बात हो गई, हम इसको वेबसाइट और इस तरह की टेक्नोलॉजी में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आपने गूगल असिस्टेंट का नाम सुना होगा, गूगल असिस्टेंट पे हम इवन कस्टम एप्लीकेशन भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी सर एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे आपसे डायलॉग फ्लो, उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप उसी पर्टिकुलर मॉडल को आप कहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट के साथ। नॉट जस्ट दैट बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि वेबसाइट पे ये डिप्लॉयमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और इवन डायलॉग फ्लो में भी ये फैसिलिटीज है। तो ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है ना अगर आज के दिन आप सीख लेते हो एक तो बहुत ज्यादा डिमांड है और मतलब फ्यूचर इज एंडलेस। अच्छा ये तो मैंने बात कर दी तो सारी कस्टम एप्लीकेशन और ये आज के सेकंड तो सर चैट जीपीटी और इसके बारे में बताइए तो आप मतलब इस तरीके की एप्लीकेशन बता रहे हो हम क्या करेंगे
रूल बेस्ड, इसको बेसिकली आप खुद क्रिएट करता हूँ, कहते हो ये रूल बेस्ड टेक्नोलॉजी है, रूल बेस्ड चैटबॉट है, हम रूल बेस्ड और एआई बेस्ड को मिक्स करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिसपे कोई यूजर एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो वो एक मतलब यानी कि चैट जो आपने ट्रेन किया मॉडल उसके पास से रिस्पॉन्स आ जाए, और कोई मतलब एक और सब कोई क्वेश्चन करे, अब उस पर क्या होता है नॉर्मल चैटबॉट क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन अगर वहां पर अगर आप चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दो क्या हो जाएगी वो चीज़, तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज बन जाएगी, मतलब यानी कि एक जो लेट्स सपोज रेस्टोरेंट की एक मिसाल है, रेस्टोरेंट एक एप्लीकेशन है और उस पर रिजर्वेशन और सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन अगर कोई उससे पूछे कि भाई पाकिस्तान में कितने सूबे, वो बताता है नहीं बताता है, लेकिन अगर हम वहां पर चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी को यूज करके या चैट जीपीटी को अपने पर्टिकुलर किसी भी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करके एक नेक्स्ट लेवल की चीज बना सकते हैं, और इंशाल्लाह हम आज के सेशन में ये देखेंगे। अच्छा दूसरी लास्ट चीज मैं ये कहूंगा कि हम ये देखेंगे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम किसे कहते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल नॉर्मली सब आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों को ये चीज भी पता होगी कि चैट जीपीटी के पास जो करंट डेटा सेट है वो ऑलमोस्ट तकरीबन मई 20 या अभी कह लो अगस्त 2022 तक है, लेकिन उसके बाद जो बिजनेसेस बने सो कौन ट्रेन करेगा, उसके बाद भी तो मतलब हर रोज कोई कोई ना कोई न्यू बिजनेस आपके सामने आ जाता है, लेट सपोज किसी भी डोमेन के बारे में, तो उसका डेटा भी तो हमें ट्रेन करना पड़ेगा ना, तो उस पर्टिकुलर डेटा को हम ट्रेन करेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल के थ्रू, और इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। तो आप जस्ट थिंक, आप जस्ट सोचो कि हम जो चीज सीखने जा रहे हैं उसकी इन फ्यूचर कितनी डिमांड होगी। अच्छा ये सारे मतलब पाकिस्तान वाले प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये सारे यूएस बेस्ड वाले, क्योंकि गोरे ही मतलब करंट कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, और पैसे आप तो मतलब बहुत ज्यादा है मतलब पैसे, और मैं ये नहीं कहूंगा कि यार आप पैसे के पीछे भागो, आप ये इसके पीछे भागो कि इसमें सीखने को कितना कुछ मिलता है, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है, आप जितना इसको एक्सप्लोर करोगे ना उतनी आपकी बाकियों से एक अलग लेवल क्रिएट होगा। ठीक है, पैसे तो आपको बनाने हैं, वो जाहिर सी बात है एक साइड मतलब आपको हर हाल में पैसे बनाने हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग क्या करते हैं, वो टोटली क्या करते हैं एक चीज सीखने के बाद वो टोटली क्या करते हैं लर्निंग साइड से हट जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है एज अ डेवलपर, क्योंकि आपको पता है हर रोज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कोई एक न्यू फ्रेमवर्क आ जा रहा है वो उसको कम्पीट कर रहा है, तो आपको क्या करना है लर्निंग के साथ अर्निंग के साथ साथ लर्निंग का भी प्रोसेस अपने साथ साथ रखना है। तो इंशाल्लाह हम ये सारी चीजें आज के सेशन में देखेंगे, और दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड सर तमाम, अगर थोड़ा सा चैटबॉट के बारे में बता देते हैं, मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। ओके, अच्छा जी हम बात पे हैं, और भी जो दो तीन लोग थे उनको जॉब पे जाना था, और भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स एक दो बुला लिए थे जो पुराने बैचेस थे, तो वो चले गए, हम बात नहीं है वो, क्योंकि माशाल्लाह अपनी कंपनी है मात देगी तो हमारे भाई जरा सा अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा तो हमारे भाई माशाल्लाह एक तो अपनी कंपनी भी चला रहे हैं, और दूसरा मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए और ये सुन के और ये देख के गूगल डेवलपर्स की जो कम्युनिटी है ना, जो डायलॉग फ्लो की और चैटबॉट की, वो हमारे भाई रन कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है देख के, और इनकी सजेशन पे उन्होंने यहाँ की कम्युनिटी बनाई है, तो ये हमारे लिए एज अ नेशन एक बहुत बड़ा एजाज है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो गूगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना चैटबॉट के सारे मामला में हमाद भाई, तो यार हमाद भाई के लिए जरा जोरदार कहते हैं। अच्छा अब हमाद भाई को यहाँ बुलाने का और आपसे बात करवाने का ये जो दूसरे स्टूडेंट है इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि भाई ये कोई हवाई बातें नहीं है, क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने शायद चैटबॉट वॉइस एप्लीकेशन के नाम पहली दफा सुना, लेकिन ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये भाई रियल है। आप मेरी बात पे यकीन नहीं आता है, हमारे भाई से जाएं लिंक्डइन पे, आप इनसे आप बात करें खुद, इनसे पूछें आपके क्या कैसे किया, कोई भी आपके जहन में सवाल है। अच्छा और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, मैं वो लाइव वगैरह भी करता रहा हूँ वक्तन, तो उसमें आपको शक्लें दिख जाएंगी, गिटहब में मैंने उनकी लिस्ट भी लगा दी है जितने भी स्टूडेंट आज तक पढ़ चुके हैं सैलानी से चैटबॉट खासतौर, आप उनसे जाएं आप बात करें, आप पूछें उनसे, चैट बॉट डेवलपर लिखें आप लिंक्डइन पे जाएं तो उसमें ज़्यादातर आपको स्टूडेंट सैलानी के ही नजर आएंगे, तो आप उनसे मिलें बात करें यार, पूछें उनसे क्या कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं, क्या चक्कर है, अभी वो ये रिकॉर्डेड भी है ना सेशन, तो पहले वाले सेशन में भी जो लोग आए थे वो उनकी शक्लें तो आ गई हैं उसमें, तो आप लिंक्डइन पे जाके उनका नाम लिखें आ जाएगा सारे, अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना, अब ये हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि कोई किसी को टोपी नहीं पहना सकता,
किसी लोग कहते हैं ना इतने लाख कमा लेंगे अपने कोर्स करके, उतने करोड़ कमा लेंगे कोर्स करके, है ना, $1,00,000 कमा लेंगे। तो वो सब लोग जो कोर्स में इनरोल है ना, वो आप लिंक्डइन फेसबुक पे आपको दिख जाती है फोटोज, तो आप जाकर उनसे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने लाख कौन कमा रहे हैं। तो अच्छा, तो ये तो चलो बात समझ आ गई कि व्हाट इज चैटबॉट, चैटबॉट है क्या। अब सवाल ये कि चैटबॉट क्यों भाई, मोबाइल ऐप में तो ऐप बनी भी है ना, क्यों बिना वजह अपने आप को हम जान जोखिम में डालें और हम चैटबॉट बनाएं कि जी बोल के बात हो रही है। क्या रीजन हो सकता है, कोई क्यों बिना वजह भाई मोबाइल ऐप में अगर कोई बंदा फूड ऑर्डर कर रहा है तो कोई क्यों वॉइस एप्लीकेशन अपने पास लगाएगा फूड ऑर्डर करने के लिए, या कोई बंदा अगर पिज्जा ऑर्डर कर रहा है या होटल बुकिंग की ऐप अगर फोन पे वो चला रहा है, होटल बुकिंग .com है, मोबाइल ऐप चलती है उनकी, बहुत अच्छी चलती है, क्यों वॉइस एप्लीकेशन, क्यों चैटबॉट, तो उसका आप जवाब अब आगे देखे आना है। अच्छा, ये आपके सामने एक फोटो आ गई अच्छा, ये पेंटिंग है, मिस्टर रूट करके एक पेंटर है, बड़े फेमस उन्होंने ये बनाई, इसमें ये निंद्राल फैमिली उन्होंने बनाया है। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल सा नाम है, मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता, मैं इसको निंद्राल बोलता हूँ, पता नहीं क्या क्या प्रोनाउंसिएशन है, पता किसी को सही से, नेंदरथाल पता नहीं क्या बोलते हैं। अच्छा, ये 1000 ईयर ओल्ड फॉसिल्स जो मिले ना साइंटिस्ट को, तो वो उन खोपड़ियों को देख के उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कैसे दिखते थे, तो इन्होंने उसको पेंट भी कर दिया। अच्छा, उनके थ्रोट के स्ट्रक्चर को देख के ना ये पता लगा कि जी वो कुछ बात करते थे, कुछ बोलते थे वो तो ये वही उन्होंने यहाँ पे अपने कैनवास पे उन्होंने पेंट कर दिया कि जी कुछ इस तरह से ये बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आग जलाई हुई, और ये केव में रहते हैं, केव में रह रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आपको दिख रहा है ये किश टैबलेट्स, ये अर्लीस्ट राइटिंग जो मैनकाइंड को अर्लीस्ट राइटिंग जो मिली है ना आर्कियोलॉजिस्ट को, ये सबसे पुरानी ली है, इससे ज्यादा पुरानी कोई अर्लीस्ट, इससे पुरानी राइटिंग का नुस्खा नहीं मिला। ये है 5000 साल पुरानी, 5000 से ज्यादा पुरानी राइटिंग हमें नहीं मिली, ये पता नहीं डिस्ट्रॉय हो गई, उसको लिखना पड़ता बाद में सीखा है बंदर, पहले बोलना सीखा है। अच्छा, तो बोलने की जो हमें प्रैक्टिस है ना वो 1000 ईयर्स की प्रैक्टिस है, 100,000 ईयर्स की, और लिखने की या उसको रीड करने की जो हमारी प्रैक्टिस है वो सिर्फ 5000 साल की, तो एक बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उसकी वजह से आप देखें कितनी तेजी से मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हैं, क्या इतनी तेजी से मैं लिख सकता हूँ, नहीं, क्या इतनी तेजी से आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ अगर आपको दे दिया जाए, नहीं। तो बोलने और सुनने की हमारी ना एक्सपीरियंस हमारा बहुत है, प्रैक्टिस हमारी बहुत ज्यादा है, सबसे अच्छा कम्युनिकेट हम करते हैं बोल के और सुन के, लिख के करना बड़ा मुश्किल है, लिखी के एप्लीकेशन अगर किसी को लिख के देनी पड़े तो एक काम फील होता है, ये लोग करना पड़ता है, बोलने में काम फील नहीं होता। अच्छा, तो अब आप सोचेंगे कि यार ये क्या चक्कर है, ये क्यों दिखा रहा हूँ, असल में ये दिखाने का रीजन ये, कंप्यूटिंग हमारी जो हो रही है अभी इस वक्त कीबोर्ड और माउस, ये डेस्टिन करके दोस्त हैं, इन्होंने बुक भी लिखी है चैटबॉट की, इंशाल्लाह हम इस कोर्स में थोड़ा सा पढ़ेंगे उस बुक का एक दो चैप्टर, इन्होंने ये बात लिखी है बड़ी जबरदस्त, हाउ मेनी टाइम्स आवर एंसेस्टर्स परफॉर्म स्वाइप एंड पिंच जेस्चर, ये जो हम अभी कंप्यूटिंग करते हैं ना पिंच जेस्चर या टाइपिंग या जो माउस को निशाना, जितने भी लोग नए कंप्यूटर सीखते हैं जो जो बच्चे अभी, अब तो बच्चों को नहीं सिखाना पड़ता, लेकिन अगर कोई बंदा है बड़ा जिसने कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया, उसके आगे लाके रखे ना, सबसे पहले तो वो माउस का निशाना लगाएगा ना, वो सबसे बड़ा काम है माउस का निशाना लगाना, तो यार वो है ही नहीं एक्सपीरियंस, हमने कभी किया ही नहीं जिंदगी में कंप्यूटर, तो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ है ना कंप्यूटर्स को तो आएगा, तो ये इसमें जो ये चीजें होती हैं ये हमारे एंसेस्टर्स में कभी भी नहीं, मतलब मेरे दादा पर दादा ने कभी कंप्यूटर देखा भी नहीं होगा, क्योंकि उस जमाने में जब नए नए थे ना कंप्यूटर तो वो सिर्फ साइंटिस्ट रखते थे, मतलब आप में से किसी ने ये सोचा है कि यार मैं बड़ा होकर टैंक खरीदूंगा, नहीं सोचते ना, टैंक हमारे काम की चीज नहीं है, मिलिट्री के पास होती है वही चलाते हैं, तो उस वक्त भी कोई ये नहीं सोचता था कि यार मैं घर पर कंप्यूटर लाऊंगा, क्या घर पर क्यों आएंगे यार साइंटिस्ट के काम करने, कोई सोचता है मैं घर पर अपने हाइड्रो कोलाइडर बनाऊंगा, नहीं सोचते ना, हाइड्रो कोलाइडर आपके काम की चीज नहीं, मे भी कल को वो पॉकेट साइज का बना दे हर बंदा लेके घूम रहा हो वो भात लेके, तो कंप्यूटर हमने ही देखा है, हमारी जनरेशन से पहले कंप्यूटर नहीं होते थे, हैंड हेल्ड डिवाइसेस तो आई अभी है 2007 में, पहला फोन तो 2007 में आया जो स्मार्टफोन, उससे पहले तो वो दूसरे होते थे टू टूट वाले होते थे। अच्छा, तो नतीजा तक क्या होता है कि असल बॉटल नेक हम है,
कंप्यूटर में तो प्रोसेसर आ गए, वो पता नहीं i9 और 2024 के प्रोसेसर आ गए हैं आजकल, फोन में भी आ गए हैवी प्रोसेसर में, लेकिन असल बॉटलनेक में हम हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटिंग हमारी स्लो है, क्योंकि हम इतनी तेजी से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते, प्रोसेसर तो तेज है लेकिन हम स्लो हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो आदत है बोलने और सुनने की, ये पिंच और टच ये टाइपिंग ये हमने कभी भी नहीं किया, हमारे लिए बिल्कुल नई चीज है। अच्छा अब आप सोचेंगे कि यार अगर हमने कभी नहीं किया तो हम तो बचपन से कर रहे हैं ना, हमारे बाप दादाओं ने अगर नहीं किया तो उससे हमारा क्या ताल्लुक है। तो एक और साइंटिफिक एविडेंस मैं दूंगा, जैसे वो बोलने सुनने वाली बात तो मैंने आपको बताई ना कि बोलने का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये इससे ये साबित तो नहीं हुआ कि हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे इसलिए हम बोलने में तेज हैं, ये कैसे साबित हुआ, तो ये मैं आपको अभी साबित कराता हूँ। ये एक और एविडेंस है साइंटिफिक, ये उनके लिए जो बिकॉज आई एम द मैन ऑफ साइंस, तो जो भी यहाँ पर मैन ऑफ साइंस बैठे हैं ना जो साइंस को फॉलो करते हैं उनके लिए, ये मोनार्क बटरफ्लाई है। अच्छा आसान हो रही है अगर खामोशी होते हैं, आसान की बात कंटिन्यू करते हैं। हमारा भी एक सेक्शन है ना, वो उन्होंने लाइव सेशन किया था, अगर आप देख रहे हो उन्होंने कोडिंग में क्या किया, ताकि वो चाहे तो वही करवा लेंगे, आपने कुछ अगर और प्रिपेयर किया ठीक है देखना। अच्छा तो ये मैं बता रहा था कि ये मोनार्च बटरफ्लाई है, ये बड़ी कॉमन है, आपको दिखती होगी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, ये ना अमरीका में मैक्सिको से ये माइग्रेट करते हैं खास मौसम में दिसंबर में सर्दियों में, और वहाँ से वो पूरा अमरीका घूम के ना ओंटारियो तक आते हैं, आप अगर मैप पर देखेंगे तो ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, और फिर ओंटारियो से ये और ट्रैवल करते करते ना घूम के वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ से ये आए होते हैं ठीक है। तो मतलब मौसम की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से, आपको पता है बहुत सारी और बर्ड्स वगैरह भी वो भी ट्रैवल करते हैं बर्ड मौसम की तब्दीली की वजह से, पाकिस्तान में भी बहुत सारी बर्ड्स हैं वो ट्रैवल करके आते हैं खास मौसम फिर वापस चले जाते हैं। अच्छा मगर इनके केस में एक खास बात ये है कि मोनार्च बटरफ्लाई की ना जो क्या कहते हैं एज है
वो होती है 4 से 5 वीक यानी कि 1 से 1.5 महीना। अब सवाल ये है कि जब वो मैक्सिको से निकल के ओंटारियो तक आ गया तो बीच में तो एक जनरेशन तो खत्म हो गई, अब उनको ये कौन बताएगा कि आगे कहाँ जाना है? या वंश को अगर चलो किसी तरह पहुंच गया वहां, अब ये कौन बताएगा कि वापस किधर जाना है और कहाँ से जाना है? तो ये एक साइंटिस्ट के लिए ना एक मामला है कि यार ये क्या चक्कर है, ये होता कैसे? तो क्योंकि बीच में 12 महीने में तो ये लिखा है ना 2 से 3 जनरेशन जो है ना ये ओंटारियो तक आते आते इनकी खत्म हो जाती है। ये तो चार्ट में उन्होंने बताया, आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे ये डेटा, आप सर्च कीजिएगा इसको। तो अब इसमें थ्योरीज हैं बहुत सारी, प्रूफ तो नहीं हुआ कुछ भी। एक तो थ्योरी ये है कि जी ब्रेन में एक खास हिस्सा होता है जिसमें आपके एंसेस्टर्स का डेटा होगा, तो इनको ना उसका एक्सेस है, तो ये उसमें से पता लगा लेते हैं। अच्छा, तो ये 1 और 2 थ्योरीज है, और भी इसकी कुछ थ्योरीज हैं वो हमारे लिए रेलिवेंट है। तो हमारे पास भी इंसानों के ब्रेन में भी मुजाहिर एक पार्ट होता है जिसमें एंसेस्टर्स का सारा डेटा होता है। अच्छा, यही वजह है कि जो जो कारपेंटर का बेटा होता है उसको कारपेंटर का काम सिखाना नहीं पड़ता, उसके लिए तो घर की बात है। या जो बंदा दर्जी है उसके बच्चे को कपड़े सिलाई करना सिखाना नहीं पड़ता, उसको बचपन से ही पता होता है अच्छा नाप कैसे लेते हैं। बाकी बंदे को तो सिर्फ टेलर के काम में ना, जब टेलर का काम सीखने जाता है तो उसको नाप कैसे लेना ये सिखाते सिखाते आधा हो जाता है बंदा कि आस्तीन कहाँ से कहाँ तक होती है वो पता ही नहीं होगा उसको, उसको गलतियाँ करेगा। लेकिन टेलर के बच्चे को ये पता लगाने की जरूरत नहीं है, उसको एग्जैक्टली पता है कि आस्तीन कहाँ से कहाँ तक होती है, कंधे का नाप कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। या जो अगर कोई ड्राइवर है तो उसका बच्चा वो बचपन से ही जो ना उसको गाड़ियों का शौक भी होगा, जिस दिन स्टेयरिंग में बैठेगा उस दिन वो ड्राइवर ही होगा, डीएनए से आती है ये बात। अच्छा, तो क्या कहते हैं, अच्छा ये ह्यूमंस में भी ये कहते हैं डीजा वो जो होता है एक फिनोमेना होता है डीजा वो, किसी आपको लगता है ये काम तो पहले भी हुआ है, जैसे कि माइक लेके या आपने कोई ग्लास पकड़ा हुआ है पीछे से अम्मी ने आवाज़ दी, आपको लगता है कि पहले भी हुआ है, लेकिन आपको पता है हुआ नहीं होता पहले, लेकिन ऐसा फील होता है कि पहले भी कभी हुआ है। आप किसी जगह जाते हैं खास जगह, आप देखते हैं ये तो मैंने पहले भी कभी आया हूँ इस जगह, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपको पता है उस शहर में आप पहली दफ़ा गए। ठीक है, तो ये डीजा वो का जो फिनोमेना है उसके पीछे भी यही थ्योरी है कि इंसान के पास भी जो है ना इसके एंसेस्ट्री का डेटा सारा उसके ब्रेन में मौजूद होता है, बट इंसानों को उसका एक्सेस नहीं होता, बट कभी कभी वो ग्लिम्स आता है, कभी कभी वो ग्लिच करता है तो वो आपको फील होता है। अच्छा, अब हमारे पास टाइम का काम है, हमें 1:30 तक ना कंप्लीट करना होगा, तो अभी इस हदीस के साथ मैं अपनी बात को कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं हमार भाई को वगैरह बुलाता हूँ ताकि जो है ना आपको ये हैंड ऑन कोडिंग वाली बात करवा सकें। ये मैंने जो आपसे वादा किया था ना वीडियो में कि मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताऊंगा, चैट बॉट से बता लेते हैं। तो अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया कि यार बोल के और यानी नेचुरल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट होती है। अच्छा, उसका मैं आपको एक डेमो भी करा देता हूँ इस हदीस से पहले। लेकिन आप सब लोग अपना अपना फोन निकालें, जिनके पास गूगल का फोन है वो होम बटन थोड़ी देर दबा के रखेंगे तो गूगल असिस्टेंट जाएगा, और जिनके पास आईफोन है वो होम का बटन या पावर का बटन दबा के रखेंगे तो सीरी उसमें से निकलेगी। आप उसको बोलेंगे जी सेट अलार्म आफ्टर कुछ भी मिनट, बोल दें आफ्टर 12 मिनट या 24 मिनट, सेट अलार्म आफ्टर 24 मिनट्स फ्रॉम नाउ या सेट अलार्म आफ्टर 3 मिनट्स फ्रॉम नाउ, वो देखें वो ऐसे समझेगा टक्कर के। हाँ भाई, क्या बोला उसने, हो गया योर अलार्म सेट फॉर 1:43 PM। अच्छा, अब आप देखें उसने ना नंबर एक चीज जो नोट करने की बात है कितना फास्ट हुआ, आपने बोला हो गया। ये काम अगर आपको क्लॉक की ऐप खोलनी पड़े, अलार्म की जो ऐप होती है फोन में वो खोल के अगर ये काम करना पड़ेगा तो आपको उसमें शायद लगेंगे 1.5-2 मिनट अलार्म सेट फॉर 10:30। अच्छा, तो मैं ये फीचर मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ इसका, क्योंकि रात को अगर मैं सो रहा हूँ तो अब मैंने जैसे आज मैंने सुबह यहाँ आना था तो मैंने लगाया कि यार सेट अलार्म 7 AM इन द मॉर्निंग, सेट अलार्म 7 AM ऐसे बोला उसने सेट कर दिया। तो सुबह 7 बजे 8 बजे मैं उठा, फ्रेश फ्रेश हुआ, यहाँ पे 9 बजे यहाँ पहुँच गया। तो ये अभी कितना फास्ट हुआ। दूसरी बात जो एक और फास्ट का जो परस्पेक्टिव है कि जी आपने इसको एग्जैक्टली ये नहीं बताना कि कितने बजे है, वो आपने बोला भाई 7 मिनट हो तो फोन में टाइम तो है
वो 7 मिनट उसने कैलकुलेट कर लिया कि जी 7 मिनट कितनी देर होती है। या मैंने जब क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अक्सर ही होता है रात को नींद भी आ रही है, अब सोना भी है, काम भी फंसा हुआ है, तो जी 6 घंटे की नींद लेनी है और रात को 2:30 बजे आधी नींद चढ़ी हुई है मेरे सर पे और मैं क्या कर रहा हूँ अलार्म खोल के अगर मैं करूँगा ना तो AM PM उल्टा लगेगा, फिर वो सुबह 7 बजे के बजे शाम को 7 बजे बजेगा वो, और फिर शाम को आप उठेंगे अरे आपने कहेंगे ये क्या हो गया मेरे साथ। ठीक है, तो क्लाइंट के मैसेज आप चेक करेंगे तो फिर बड़ा मसला हो सकता है ना। क्लाइंट समटाइम डेट होती है डेडलाइन तो बड़े फिर वो हवा हो जाते हैं, मगर गोरों की अच्छी बात यह है कि वो हमारे गोरों की तरह गाली गलौज तो नहीं करते, हमारे तो सेट थोड़े अब्यूसिव होते हैं लेकिन वो प्यार मोहब्बत से ना वो कहते हैं कि यार आपने मिस कमिटमेंट किए तो वो मेंशन जरूर करते हैं यार आपने मिस कमिटमेंट किए, तो या ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन मार्क बना के वो भेजेगा, तो वो क्वेश्चन मार्क का मतलब असल में वही होता है जो हमारे यहाँ वो पूरी गाली देते हैं। वेल तो कोशिश करते हैं कि मिस कमिटमेंट ना की जाए, लेकिन ये है कि वो समटाइम को भी होती है। तो वेल अब ये जो अलार्म है ना मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ यार सेट अलार्म आफ्टर 6 आवर्स फ्रॉम नाउ, 6 घंटे की नींद लेनी है। अब वो खुद ही सब कैलकुलेट मार लेता है कि 6 घंटे कब कंप्लीट होंगे और वो सुबह 7-8 बजे जब भी बनते हैं 6 घंटे वो बजा देगा अलार्म। अच्छा तो हमें एक तो ये चीज समझ आ गई कि इतना सीमलेस है ना ये वॉइस कम्युनिकेशन वॉइस कंप्यूटिंग इतना सीमलेस है कि ये इनएविटेबल है, इसको अवॉइड किया जा ही नहीं सकता। अब आप ये देखेंगे ये अबू सईद अल खुदरी से रिवायत है, अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, इन्होंने ये इसमें 3 बातों का जिक्र है हदीस में, क्योंकि कयामत जब तक टाइम नहीं होगी जब तक प्रेडेटर आपसे बात ना कर ले और जब तक आपकी छड़ी का सिरा विप द टिप ऑफ योर विप और जूती का तस्मा आपसे बात ना कर ले और जब तक आप 3री बात जिसमें जिक्र है कि आपकी थाई आपको बताएगी कि आप जब घर पे नहीं थे तो आपके घर वालों के साथ क्या हुआ। अब ये 3 बातों का इसमें जिक्र है जिसमें दरमियान वाली हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा प्रेडेटर से वैसे बातचीत शुरू हो गई है भाई, वो प्लांट वाली ऐप आपने देखी होगी ना वो आ गई है, तो वो अब सबकी आवाज़ों को ट्रांसलेट करने के लिए कुत्ता कैसे भूखता है उसका क्या मतलब है वो सब हो गया, वो आप अलग से गूगल कीजिएगा, हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा ये जो है ना कि जूती का तस्मा भी आपसे बात करेगा, ये इस फीते की बात हो रही है ये बात करेगा और आपकी छड़ी का सिरा आपसे बात करेगा, तो इससे मैं ये समझ रहा हूँ मैंने जो इससे अंदाजा लगाया कि ये ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके सराउंडिंग में चीज़ें वो सब आपसे बात करेंगी, यहाँ तक कि आपकी जूती का तस्मा भी बात करेगा, ये मैं इससे मतलब ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे आप जो भी आपके फेवरेट आलिम है उनसे भी आप पूछिएगा कि वो क्या मतलब लेते हैं, मेरा जो मैं ये समझता हूँ इसको पढ़ के वो मैं ये समझता हूँ। अच्छा अब आप गौर करेंगे ना तो ये जैसे एसी है, अब ये सारे एसी बात करते हैं भाई, जो जो आप दुकान वाले को कहेंगे ना वाईफाई वाला एसी, वो उसको वाईफाई वाला एसी कहते हैं दुकान वाले, वैसे तो उसको आप कहते हैं IoT पावर्ड IoT वाला या आप गूगल असिस्टेंट वाला एसी आप कहते हैं, लेकिन दुकान वाले कहते हैं वाईफाई एसी, तो आप उनसे कहेंगे ना वाईफाई एसी, उसको आप बोलेंगे गूगल टर्न ऑफ एसी ऑफ हो जाएगा, हे गूगल सेट माय एसी ऑन 26 सेंटीग्रेड। यार नमाज कितने बजे एग्जैक्टली दोस्त? 12:15। अच्छा अच्छा, तो यार ऐसा ना करें हम, क्योंकि सवा तो होने वाला है तो नमाज के बाद हम हैंड ऑन करें, क्या कह रहे हैं? अच्छा नमाज पढ़ के फिर आपने वापस आना है, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करके फिर हम नमाज पे जा रहे हैं, वापस आके हम बात भाई कंटिन्यू करेंगे और हैंड ऑन हमारा ही एक्सपीरियंस होगा सर, कोडिंग हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा आप सब लोग लैपटॉप अगर लेकर आए तो आप भी साथ साथ कर सकते हैं वो कोडिंग जो हम बाद में यहाँ बताएंगे। अच्छा तो आप देखें ये सब चीज़ें बात करना शुरू हो गई, टीवी आपका बात करना शुरू हो गया, अभी पिछले सेशन में वो बता रहे थे कि यार वो एप्पल वॉच एक दोस्त ने पहनी हुई थी तो वो उनको सांस फूल गई उनकी, तो उसकी घड़ी फौरन जाग गई उनकी कि यार वो आपकी सांस फूली है आप इधर रुक जाए आप जरा सांस लें और इस तरह इंस्ट्रक्शन लिखी क्या होगी। ठीक है, अभी जो नया वाला जो एप्पल वॉच है उसमें उन्होंने ये चीज़ें भी रख दी है कि जी अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह होगा तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, और वो फीचर है वो उनका, उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, पहले से सारी सेटिंग करनी होती है, आपके डॉक्टर का नंबर एम्बुलेंस का नंबर सब उनको वो आप बता देते हैं पहले, तो जब आप कभी गिर जाते हैं, अभी उन्होंने वो सब स्पोर्ट्स के लिए बनाया जो नई वाली वॉच है, तो एथलीट्स के सारे जो है ना वो हाइकिंग वाइकिंग करते हैं जो दूर जाते हैं बाइकर्स और पता नहीं, तो वो अगर कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया तो फौरन सपोर्ट दिलवा लेते हैं, बाकायदा वो आपकी वॉच बाकायदा कॉल कर देती है आपके डॉक्टर को और एम्बुलेंस को कि ये इस जगह पे मौजूद है, ये इसकी लोकेशन है और ये गिर गया है अनकॉन्शियस हो गया है या जो भी सिचुएशन हुई है या कार क्रैश को वो अगर हुआ है तो वो जी फला जगह पे और एक्सीडेंट हो गया और कार उल्टी पड़ी हुई है सर,
वो यहाँ तक डिटेक्ट कर लेता है कार की इस वक्त पोजिशन उल्टी पड़ी हुई है। तो ये सब चीजें देखिए आप बात करना शुरू हो गई है। अच्छा फोन आपका ये गूगल असिस्टेंट भी आप देखें बात कर रहा है आपसे, तो ये तो इनएविटेबल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया ना कि क़यामत से पहले ये होगा, तो ये होगा 100%। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इमर्ज हो रही है और इस इंडस्ट्री में इस वक्त जो आप सब लोग बैठे हैं इंशाल्लाह इसका कोर्स फौरन शुरू कर दें। अभी इस आपको वर्कशॉप के बाद काउंटर पर वो एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा, एक ग्रुप भी बना हुआ है व्हाट्सएप पे, अभी जो पिछले सेशन को भी उसमें उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर मजीद जो सवाल जवाब है आपके वो भी होंगे। बाकी वो एडमिशन फॉर्म का शायद एक गूगल वर्जन भी बनाया है, गूगल फॉर्म वो भी आपको मिल जाएगा, तो वो फौरी तौर पर एडमिशन फॉर्म आप फिल करेंगे आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई एंट्री टेस्ट वगैरह जो होगा वो आपको मैनेजमेंट फिर फोन करके बता देगी कि जी वो क्या होगा। तो इस वक्त अगर आपने इसमें एंट्री मारी तो आपको वो बेनिफिट्स मिलेंगे जो अर्ली बर्ड बेनिफिट होता है पहले एंट्री मारने का, कि आप इसमें फिर जब अभी तो क्योंकि मैं 2016 में जब शुरू हुआ था ना तो मुझसे लोग पूछते थे कि इंदौर में ये क्या गूगल गूगल खेलते रहते हैं। मेरे साथ जो फेलो डेवलपर्स थे जिनका मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस था उस ज़माने में, वो 10-10 साल के एक्सपीरियंस वाले थे, उनको भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि भाई ये है क्या चैट बॉट है क्या चीज़। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चैट जीपीटी के आने के बाद अब किसी को ये नहीं बताना पड़ता कि चैट बॉट है क्या, अब लेकिन ये बताना पड़ रहा है कि चैट जीपीटी से करना क्या है। चैट जीपीटी तो लोग करें वो ईमेल उससे लिखवा लो, और ये तो काम थोड़ी है उसका, वो तो पूरा एआई का फ्रेमवर्क है, वो एआई एज अ सर्विस का एक नया बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो शायद किसी को भी नहीं पता क्योंकि कोई बात ही नहीं कर रहा उसकी, लोग कह रहे हैं बस ईमेल लिखवा लो। अभी हम नया यूज केस आपको बताएंगे उसका कि उससे क्या हो सकता है, वो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही जबरदस्त है, हम पूरा पूरा चैट बॉट उससे बना सकते हैं। चैट बॉट का मतलब कि जो मोबाइल ऐप से जो जो सारे काम कर रहे हैं वो सारे चैट बॉट से होते हैं, वो पूरा चैट बॉट डेवलपमेंट का वो फ्रेमवर्क बन के अब सामने आ रहा है, ठीक है। मगर इसकी इंटरनेट पे एक भी बंदा कोई बात मैंने नहीं करते हुए देखा कि दी चैट जीपीटी से ना चैट बॉट पूरे पूरे बना लो। हमारे भाई है कोई इंटरनेट पे है तो ये बात कर रहा हूँ चैट राइट ना, कोई भी इवन कि इंडिया में भी ऐसे कोई लोग नहीं है जो कि डेली चैट बॉट डेवलपमेंट के बारे में बात करें, वो लाइक कोई एक पर्टिकुलर ऐप बना दी लाइक एपीआई इंटीग्रेट करके, लेकिन एक डेडिकेटेड पर्टिकुलर कोर्स होता है ना वो अभी तक कोई बात नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में सिर्फ सलानी इज द डिपार्टमेंट जहाँ पे सारे, तो पूरी दुनिया में जो चैट बॉट डेवलपमेंट है ना इस वक्त वो तो वैसे ही रेयर फील्ड है, उसका अभी तक किसी को भी नहीं पता। रिक्वायरमेंट्स मौजूद है, लोगों ने ये फील तो किया है कि रिक्वायरमेंट है लेकिन पता नहीं किसी को। अच्छा 2019 में एक यूनाइटेड नेशन ने एक समिट मुनक्किद किया था जिसमें उन्होंने वो एआई के डिफरेंट शोबे जहाँ से लोगों को बुलाया था, तो उस वक्त आप इमेजिन करें गिनती के लोग थे दुनिया में, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था कि जी वो जो चैट बॉट को रिप्रेजेंट करें और बताएं क्या चीज़ है वहाँ पे। तो आप देखिए वो इतनी रेयर चीज़ है ना कि उन्होंने शायद पता नहीं सर्च मारा होगा दुनिया में मेरा ही आ गया ना आया होगा कि चैट बॉट है, तो उन्होंने मुझे ही बुला लिया। तो वहां पे जाके जब मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया तो आपने देखा है वहां तो कोई भी नहीं है, कोरे भी गिनती के थे 4-5, उनको भी जब मैंने चैट बॉट की जो थोड़ी सी डिस्कशन की ना, अच्छा और 4-5 कौन थे वो एक मारियाना लिन करके हमारे साथ ही थी, वो भी बाद में उनसे जान पहचान निकल आई, तो वो सीरी उन्होंने बनाया जो आईफोन के अंदर सीरी है वो उन्होंने बनाया। अच्छा एक और उनमें मिला तो उन्होंने कहा कि यार मुझे गूगल जो अलेक्सा का जो स्क्रिप्ट है ना वो उसमें मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो वो इस ग्रेड के लोग थे, वो भी गिनती के थे जो वहाँ पे मौजूद थे। और वो उन्होंने एक्चुअली समिट ये होता है कि जो एकेडमिक्स होते हैं ना सारे स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज होती हैं प्रोफेसर होते हैं वो आते हैं जी, वो बताते हैं कि अच्छा जी हमने ये कर लिया, हमने ये अचीव कर लिया, अभी हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में बताते हैं, और उसको अटेंड करने के लिए कंपनीज आती हैं जो देखती हैं अच्छा यार ये बच्चे ने ये कर लिया तो इसको मैं अपने बिजनेस में कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस चीज़ को कमर्शलाइज कैसे इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, है ना। तो मतलब जैसे अब चैट बॉट वहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आई थी, उन्होंने देखा अच्छा यार चैट बॉट कोई फील्ड होती है, अब वो सोचना शुरू करें कि अच्छा यार इस चैट बॉट से मैं ये भी कर सकता हूँ ये भी कर सकता हूँ, फिर वो मार्केट में जॉब क्रिएट करेंगे और जॉब क्रिएट करेंगे तो आप सब लोग जो ट्रेन हो रहे हैं यहाँ पे वो जॉब को करेंगे। तो दुनिया में बहुत कम लोग हैं अभी, और वॉइस एप्लीकेशन चैट बॉट एक तो ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन चलो इसके कोर्सेज मौजूद हैं चैट बॉट के कोर्सेज छोटे मोटे लोगों ने बनाए हैं। डायलॉग फ्लो क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है अभी इस वक्त, तकरीबन 2015-16 में इसको एक्वायर किया था गूगल ने, तो जब से गूगल इस पर बड़े पैसे लगा रहे हैं बड़ी मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में चैट बॉट तो लोगों को पता है, लेकिन चैट जीपीटी से चैट बॉट बन सकते हैं ये एक भी बंदा बात नहीं कर रहा।
ये पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे और हमारे नहीं भी पता है या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ा दी, तो ये हमें पता है और हम ही ये बात कर रहे हैं कि और कोई भी बात नहीं कर रहा दुनिया में, अगर कोई कर रहा है तो भाई मुझे बताओ। अच्छा, तो ये हमने देख लिया, ये जो हदीस है ये इसका रेफरेंस दिया लिखा हुआ है, और ये मैं हमारे मौलाना असद साहब है, अब दो मिनट छोड़ता हूँ, मौलाना असद साहब है, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा कि हजरत ये बताया मुझे कि इसकी सेहत क्या है हदीस की, ना हदीस की सेहत होती है कि जी वो एक सही हदीस होती है, एक वो मनसूख होती है, मुंतका होती है, बहुत सारी। तो उन्होंने कहा कि खबरें वाहिर, खबरें वाहिर नहीं होता है कि एक ही बंदे ने रिवायत किया उसको और किसी ने नहीं किया। अच्छा, लेकिन खबरें वाहिर अगर उस बंदे का कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो उसमें, यानी उसका कोई पर्सनल फायदा ना हो ये बात करने में, तो उसको वो सही हदीस में कंसिडर करते हैं कि ये सही हदीस है। तो आप सोचें कि वो तो आप उनका जर्फ चेक करें और उनकी आप जो है ना क्या कहते हैं लेवल चेक करें, उस जमाने में तो ये जो बात की है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हुई, अगर उस जमाने में तो लोग हंसते होंगे इस पर, जो जो नहीं थे नॉन मुस्लिम जो थे वो तो कहते हैं कि आपके नबी क्या बात करते हैं, जूती का कस्मा कैसे बात करेगा भाई। लेकिन उन्होंने स्टिल इस चीज़ को कैरी किया, तो उनकी भी अजमत को सलाम है जिन्होंने इसको कैरी किया। और मतलब ये बात बताने में फ़ायदा तो दूर की बात, वो तो उल्टा सामने से मसला खड़ा हो जाता होगा कि यार ये इस हदीस को फिर अब इसको क्या एक्सप्लेन करे बंदा। लेकिन बस वो क्योंकि कुर्ब क़यामत से मुताल्लिक है तो कभी होगा, जब होगा तो पता चल जाएगा, तो आप देखेंगे हो रहा है आपके सामने, और ये बाकी की जो बातें सारी जो है वो भी सच होंगी, ये भी सच होगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह अभी नमाज के बाद फिर वापस आते हैं, यहीं पे कंटिन्यू करते हैं इसी जगह पे, हम इंशाल्लाह वापस मिल रहे हैं 140 पे मिल रहे हैं, 140 पे हम वापस यहाँ मिल रहे हैं।